Hey everyone!

इन दैट वीडियो आई हैव बेसिक फॉर्मैट ऑफ दी पेपर जहां पर आपको डिफरेंट सेक्शंस दिए हैं साथ ही साथ आपको एक अलग से सेक्शन मिलता है वो है अचीवर्स लेवल अचीवर्स सेक्शन जहां आपको हर एक क्वेश्चन मिलता है ऑफ थ्री मार्क्स इच एंड बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर वन मार्क ईच होते हैं ठीक है सो ये थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन फॉर श्योर बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है ये सेक्शन अगर आप यहाँ के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो अब अचीवर सेक्शन है तो फॉर श्योर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई हैव मेक श्योर मेड श्योर दैट आपके लिए एक पूरा जो लेवल बेस्ड प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो सो so, हमारा बेसिक स्ट्रेटजी क्या होता है कि हम हर एक टॉपिक का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या है या इज द कॉन्सेप्ट एंड देन वी मूव ऑन टू दी क्वेश्चन इन दी फॉर दीडियो तो आपको पहले मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं टोटली बिगिनर लेवल के यानी कि जो बिल्कुल शुरुआती

करोगे तो होगा क्या पहले आपका फाउंडेशन जो है जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बिगनर लेवल से फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा जज कर पाओगे इंटरमीडिएट लेवल से जैसे ही कॉन्फिडेंस जो है मस्त सेट हो जाएगा बढ़ जाएगा देन यू आर रेडी टू सी दी क्वेश्चन जो अचीवर सेक्शन के होते हैं so, इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सकती है एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व ईच एंड एवरी टॉपिक अब जब भी, भी कोई एमसीक्यू का वीडियो है आपको दस पंद्रह वर्ड सीखने को नहीं मिलते यू गेट टू लर्न अराउंड टू हंड्रेड प्लस वर्ड्स यानी नए वर्ड आपको सीखने को मिलते हैं जो दो सौ से ज्यादा होते हैं हर एक वीडियो में तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल रही है साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चंस जो हैं हम ऐसे डिस्कस नहीं करते कि मैं आपको क्वेश्चन दूं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो खुद भी कर सकते हो है ना कोई भी बुक पढ़ते हो एमसीक्यूज करते हो तो क्या करते हो आप आप बेसिकली क्वेश्चन देखते हो आंसर ढूंढते हो नहीं समझ आता तो पीछे आंसर देख लेते हाँ ठीक है आंसर है फिर आगे बढ़ जाते हो बट ये गलत कॉन्सेप्ट है हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन को भी एनालाइज करो कि भाई वो गलत है तो किस परस्पेक्टिव से गलत है ठीक है और यही हम करते हैं हर एक क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन है

क्ट द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स जो भी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड जो है उसको चूज करना है सो प्लीज सेम मीनिंग वर्ड पे मत ध्यान देना क्लियर चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन है word है है? ये सारे किस के section के होंगे? ठीक तो definitely advanced level के questions है. तो थोड़ा स्टार्टिंग में डर लग सकता है बट प्लीज डर के आगे जीत है सबको पता है सो प्लीज कीप ऑन यू नो यू शुड कीप गोइंग ऑन ठीक है आपको ना बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है अंडरस्टैंड ऑल डोंट गेट केयर ग्लेयरिंगली ऑप्शन है डिसनेबल इन कॉन्स्पीकर्स एक्जीओ मैनिफेस्ट अब हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को ग्लेयर वर्ड वैसा लग रहा हो जैसे कि वो सोचते हैं ठीक है आ, बाकी वर्ड्स आई डोंट थिंक आपको तो पता हो कॉन्स्पीक वर्ड शायद हमने पढ़ा हुआ है एक सिनोनिम्स के किसी वीडियो में बट अगर याद नहीं है कोई बात नहीं लेट्स जस्ट एनालाइज दी वर्ड्स कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास इसे लिंक करने के लिए आ रहा है राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स सबसे पहले glaringly का मतलब है इन a हाईली ऑब्वियस और conspicuous मैनर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस है एविडेंट है कि भाई ये तो ऐसे ही होगा ठीक है तो वर्ड हो जाता है ग्लेयरिंगली फॉर एन एग्जाम्पल आई नेवर सॉ सच अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल मैंने आज तक ऐसा उदाहरण या example नहीं देखा है जो इतना obvious हो, हो? ठीक है? So, इस तरीके से वर्ड वर्ड जो है, या glaringly जो या आप कैसे use कर सकते हो? जब आपको बोलना है कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है बहुत ज्यादा एविडेंट है आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उसको यू जस्ट अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड है ना? च इज़ परसेप्टेबल यानी अगर कोई चीज़ बहुत आसान है समझने में या उसको फाइंड करने में सर्च करने में आसानी होती है देन वी गो विद द वर्ड डिसर्नेबल

नेक्स्ट है एक्जियोमैरिक विच मीन्स सेल्फ एविडेंट और क्वेश्चनेबल, अच्छा है, राइट सो जब भी कोई चीज सेल्फ एविडेंट है व्हाट इज एविडेंस मैंने आपको पहले भी बोला है प्रूफ वर्ड यूज करना बंद कर दो एविडेंस वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दो है ना मतलब सबूत तो सेल्फ एविडेंट है मतलब खुद ही एक सबूत है यानी खुद ही को प्रूफ कर रहा है कोई ठीक है एंड इट इज अनकोेशनेबल यू कैन क्वेश्चन इट बिकॉज आपको क्लियरली दिख रहा है कि भैया वो जैसा है वैसा है और साफ है बिल्कुल क्लियर है इट इज वेरी वेरी मच क्लियर सो यू डोट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट ना ही उसको समझने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है सो इट इज सेल्फ एविडेंट एंड अनक्वेस्नेबल नेक्स्ट है मैनिफेस्ट विट मीन्स क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड तो अगर बहुत ज़्यादा यू नो क्लियर है या बहुत ज्यादा ऑब्वियस है आपकी आंखों के लिए आपके दिमाग के लिए यानी कि कोई चीज बहुत ज़्यादा आपके सामने साफ साफ है क्लियर है जैसे कि है वैसे ही है देन द वर्ड मैनिफेस्ट इज यूज तो इस तरीके से ग्लेयरिंगली जो है वो बहुत ऑब्वियस के लिए यूज किया जाता है यानी कि जो बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा है डिसनेबल इज ऑल्सो समथिंग जिसको आप इजिली समझ सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो इन कॉन्सिकोर्स क्लियर विजिबल नहीं है यू हैव टू अंडरस्टैंड तब आपको समझ आएगी कोई चीज साफ साफ नहीं दिख रहा है वो देन यू हे वर्ड एक्की चीज साफ है अपने आप में एक सबूत है तो ये भी आप समझ पा रहे हो एंड मैनिफेस्ट भी क्या है बहुत ज्यादा क्लियर है ऑब्वियस है सो so इस तरीके से एक ही वर्ड है जो बात कर रहा है कि नहीं भैया यू आई एम नॉट डेट क्लियर टू यू आई एम नॉट डी टू अंडरस्टैंड सो इस तरीके से ग्लेयरिंगली का जो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड वर्ड है वो क्या होगा फॉर श्योर ऑप्शन नंबर बी इन कॉन्सपिक्वस जो है वो सही क्या है एंटोनिम है एंटोनिम आई होप सबको पता है एंटी यानी विलोम शब्द जस्ट ऑपोजिट मीनिंग में कोई शब्द क्लियर तो बाकी के थोड़े बहुत मिलते जुलते सिनोनिम्स हैं बाकी जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो उल्टा है मीनिंग में वो क्या है ग्लेयरिंगली क्लियर ऑप्शन नंबर बी इन कॉन्सपिक्वस डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं एनिग्मा एंड यू हैव द ऑप्शंस ओवर्ट कॉनंड्रम रिडल क्वांड्री अब रिडल तो फिर भी पता होगा है ना रिडल इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जब आप बोलते हैं ना पहेलिया या कोई रिडल सॉल्व करना है यानी कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप उसको सॉल्व करते हो करें ऐसे ही मीनिंग हम रिडल का देखने वाले हैं रही बात बाकी वर्ड्स की दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये आपने नहीं सुने होंगे सो एनिग्मा का मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या तो कोई इंसान या कोई ऐसी चीज जिसको ना आसानी से समझा नहीं जा सकता इट्स वेरी मिस्टीरियस बहुत रहस्यमयी है देन वी गो विद वर्ड एनिग्मा फॉर एन एग्जाम्पल शी इज बिट ऑफ एन एनिग्मा वो जो है लड़की या हाँ, जो भी पर्सन है वो बहुत मिस्टीरियस है मतलब उसको समझना आसान नहीं है कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो कि भाई वो गुस्से वाले हैं या फिर वो बहुत प्यार से रहते हैं या बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं या बहुत पोलाइट हैं मतलब उनके सारे फेजेस देखने को मिलते हैं यू आर नेवर श्योर अबाउट देम कि वो क्या है है ना तो ऐसे जो लोग होते हैं ऐसी कोई चीज होती है जो बहुत मिस्टीरियस होती है जो रहस्यमय होती है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम तो उनके लिए वर्ड एनिग्मा यूज कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड है ओवर्ड विच इज डन और शोन ओपनली प्लेनली अपेरेंट कोई चीज़ बिल्कुल साफ साफ की जा रही है ओपन की जा रही है ब्लंट की जा रही है और बहुत अपेरेंट है ऑब्वियस है उसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स बहुत साफ साफ इन फ्रंट ऑफ यू तो ओवरकम ही वो हो जाता है नेक्स्ट बात करते हैं कॉनड्रम विच इज अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन वी गो विद द वर्ड को नेक्स्ट वर्ड है रिडल रिडल का मतलब क्या है समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसे उलझा हुआ क्वेश्चन है पहेली है है ना तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ऐसे घुमा फिरा के दिया हुआ है क्वेश्चन इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट्स कन्फ्यूजिंग वर्ड यूज कर लिया जाता है रिडल फॉर दैट नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप बहुत कंफ्यूज हो यू आर नॉट क्लियर क्या करूं बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गया है यू आर लाइक व्हाट शुड आई डू क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसा सिचुएशन जो होता है ना उसको हम कहते हैं क्वॉन्ड्री इस तरीके से एनिग्मा में समथिंग इज मिस्टीरियस तो ये क्या है इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्रॉस कर देते हैं इसको कि मतलब आप इजिली समझ नहीं पा रहे हो करेक्ट वर्ड में समथिंग इज वेरी वेरी ओपन इट्स वेरी अपेरेंट सो ऑब्वियसली इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड राइट नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगर कोनंड्रम की ये कुछ कंफ्यूजिंग है ये कुछ डिफिकल्ट है है ना तो इसको भी इजीली समझ नहीं पा रहे रिडल भी क्या है एक पहेली है तो ये इतना आसान नहीं होगा समझना क्वान्ड्री भी क्या है भाई कोई ऐसी सिचुएशन जहां बड़े कन्फ्यूज हो इट्स वेरी पॉम्पलेक्सड वाली सिचुएशन तो यहाँ पे भी आप समझ नहीं पा रहे यानी फॉर श्योर एक ही चीज़ है जो थोड़ी ईजी है जो बड़ी ओपन है साफ साफ है दैट इज ओवर्ड इसीलिए एनिग्मा का ऑपोजिट हम ओवर्ड को रख सकते हैं राइट सो आंसर तो मिल गया बट एक और चीज़ है जिसे फटाफट से रिवाइज कर लो Confused के लिए वर्ड जो है वो आपको आई होप याद हो मैंने आपको क्या बोला है आप कंफ्यूज की जगह कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो एक कर सकते हो baffled जिनको नहीं पता है नोट डाउन कर लो कंफ्यूज बोलना बंद कर दो जस्ट यूज द वर्ड baffled यूज द वर्ड perplexed ठीक है यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग

यानी कि कोई चीज में आप श्योर नहीं हो इट्स नॉट सर्टेन इट्स नॉट ऑब्वियस ठीक है सो so, इस तरीके से ये कुछ वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखना है बट साथ ही साथ आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया डन सो so, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि एनिग्मा का मतलब क्या है बाकी ऑप्शन का मतलब क्या है एंड यू गेट योर आंसर वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओ वर्ड आई होप सारे वर्ड दस के दस वर्ड्स जो हैं, दो क्वेश्चंस, दस वर्ड्स हो गए आपको क्लियर हो गए हैं डन ऑल राइट चलो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की वर्ड है फिलिप ये किसी इंसान का नाम नहीं है फिलिप एक वर्ड है देन यू हैव इंड्यूसमेंट गोड कर् ठीक है अब ये जो शब्द है ना सुन के ऐसा लग रहा है मतलब कौन सी दुनिया से आ गए है ना इसी को कहते हैं अचीवर सेक्शन हो सकता है जो वर्ड्स आपको क्वेश्चन पेपर में आए वो बड़े ही आसान हो आपको इंटरमीडिएट लेवल के दे अचीवर सेक्शन में तो वो तो आपके लिए अच्छा है ना तो इस तरीके से अपनी भाषा को इतना इंप्रूव कर लो इतना पॉलिश कर लो इंग्लिश को जो ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा बहुत मेहनत लगती है इसको करने में बट अगर डेडिकेटेड हो बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है फॉर श्योर sure, सारे वर्ड्स बहुत प्यार से समझ जाओगे तो सबसे पहले बात करते हैं फिलिप की फिलिप समथिंग मीन सम्स एज अ अटिम्यूल और बूस्ट टू एंड एक्टिविटी यानी कोई भी काम के लिए अगर कोई चीज एक stimulus, एक बूस्ट बूस्ट का मतलब क्या होता है uh, कोई चीज जो एक किक है ठीक है मतलब जिससे ना स्टार्ट हो जाता है काम एकदम से फटाफट -फड़ एनर्जी में काम चल रहा है उसको हम कहते हैं फिलिप यानी yani, कोई चीज जिसके आ जाने से वाह आपके आ जाने से अगर कोई काम या एक्टिविटी बहुत तेज हो जा रही है बहुत अच्छे से काम जो है वो फुर्ती में बढ़ रहा है वी से दैट दैट इज फिलिप एन एग्जाम्पल द न्यूज गेव द स्टॉक मार्केट अग फिलिप या कोई जो न्यूज आई सपोज बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी स्टॉक मार्केट के लिए तो जैसी वो न्यूज आई स्टॉक मार्केट में एक अलग ही बूस्टअप हो गया ठीक है वो फिलिप मिल गया यानी कि स्टिम्यूलिस मिल गया क्लियर बहुत अलग वर्ड है आई होप क्लियर रहेगा नेक्स्ट वर्ड है आपके पास प

यू you नो know, समझा रही है या कोई ऐसी चीज जो लीड कर रही है जिससे जो है एक तरीके से काम जो है बढ़ गया ठीक है परसुएट का क्या मतलब होता है टू यू नो मेक समबडी टू डू समथिंग करेक्ट सो इस तरीके से कोई भी चीज़ जो कि किसी को कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हेल्प uh, कर रही कहना चाहिए दैट इज वॉट इज इंड्यूस्ड इंड्यूसमेंट नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं गोड विच इज प्रोवोक और एन एक्शन और रिएक्शन, किसी को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देना किसी को इतना इरिटेट कर देना कि सामने वाला जो है वो काम करने लगे ठीक है सो इफ यू समबडी टू स्टिम्युलेट एन एक्शन और गोड नेक्स्ट वर्ड है कब

तो जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होंगे ना तब तक बिल्कुल समझ नहीं आने वाला कि क्या ऑपोजिट क्या सेम मीनिंग राइट इसीलिए इस तरीके से वर्ड्स को एनालाइज करो अभी इतनी देर में आपको पंद्रह वर्ड्स मिल गए हैं और बहुत बड़ी बात है फिफ्टीन न्यू वर्ड समझना लेकिन एक दिन में पंद्रह वर्ड भी बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको याद हो जाए तो सो अभी फिफ्टीन में से अगर दो तीन भी याद हो गए कोई बात नहीं अच्छा कर रहे हो क्लियर बट येस कोशिश करनी कि बार बार रिवाइज करो ताकि सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाए डन ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड है कैस्टिगेट ऑप्शन है एडमोनिश फीट शाइट एंड बिरेट अब यहां पर जो वर्ड एडमोनिश है वो फिर भी शायद आपने सुना होगा लाइक आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू नो दिस वर्ड कि एटलीस्ट आपने बिगना लेवल इंटरमीडिएट लेवल पढ़ लिया है तो एडमोनिश वर्ड तो आपको क्लियर होना चाहिए बाकी वर्ड्स फॉर श्योर मैं आपको बता देती हूँ सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट इज कैस्टिगेट इसका मतलब है reprimand someone severely what is reprimand किसी को बहुत चिल्ला देना ठीक है scold करना किसी को rebuke करना दैट इज व्हाट इज रिप्रिमांड करना तो इतने वर्ड्स वैसे ही मिल गए आपको सो castigate means अगर आप किसी को बहुत बुरी तरीके से चिल्ला दे रहे हो किसी को बहुत ज्यादा reprimand कर दे रहे हो दैट इज व्हाट इज castigate फॉर एन एग्जांपल हेल्थ इंस्पेक्टर्स कैस्टिगेटेड द किचन स्टाफ पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लेंडलीस सपोज कभी भी कोई होटल वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो रहा है सो so, इंस्पेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं ना साइंड. सो so, जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, वो गए और इस रेस्टोरेंट के किचन में सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसा काम चल रहा है स्टाफ लाइक दैट जैसे ही वो गए देखा वहां पर सफाई बिल्कुल नहीं और सफाई मस्ट है खाने वगैरह की जगह पे सो so, उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत चिल्ला दिया किसको किचन स्टाफ को बिकॉज वहां पर क्लैनलीनेस नहीं थी तो क्या हो गया वर्ड कैस्टिगेट

कोई बहुत फेमस होता है तो उनको बड़ी इज्जत मिलती है बहुत जोरों शोरों से एक लैविश एक लग्जूरियस वे में उनको रिस्पेक्ट किया जाता है ऑनर दिया जाता है उसी का मीनिंग है क्या वर्ड कौन सा है फीट नेक्स्ट वर्ड है शाइड विच इज कोल्ड और रिब्यूग अगेन किसी को बहुत चिल्ला देना बहुत डांट देना इज दिस वर्ड नेक्स्ट बात करते हैं बिरेट और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली बहुत गुस्से में किसी को चिल्ला देना बहुत गुस्से में किसी को क्रिटिसाइज कर देना यानी कि डांट ही रहे हो दैट इज इज सो इस तरीके से आप सारे ही वर्ड्स में चिल्ला रहे 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 हो 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 इसमें इसमें भी भी डांट वार्निंग दे यहाँ पे भी आप रिव्यू कर रहे हो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बहुत गुस्से में चिल्ला रहे हो बट सिर्फ एक वर्ड फीट है जहां आप किसी को बहुत लग्जूरियस वे में, में लाविश वे में, में बहुत ऑनर कर रहे हो रिस्पेक्ट पे कर रहे हो और एक सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल याद रखना इस वर्ड को याद रखने के लिए सो इस तरीके से कैस्टिगेट

फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं जहां वर्ड है अम्बरेज देन यू हैव मेल फिशियंस देन यू हैव डेल इनएंसी नेक्स्ट है कौन बी रियालिटी एंड दोर्थ वर्ड इज पीफ यानी फोर्थ ऑप्शन इज पीफ ठीक है अब यहाँ पे भी आई डोंट थिंक आपको कुछ ऐसा आ, कुछ भी लिंक कर पा रहे होगा बिकॉज इससे रिलेटेड कोई वर्ड हमने पढ़ा नहीं है एस सच मतलब जो तो लिंक कर पाए है ना चलो चलो अम्बरेज का मीनिंग पढ़ते हैं दिस मीन्स ऑफेंस और अनॉयस या तो बहुत ज्यादा अनोयंस ठीक है यानी कि जिससे परेशान हो जाए सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए या ऑफेंस ऑफेंस का मतलब होता है जब बहुत बुरा लग जाता है किसी चीज ऑफेंसिव होती कोई चीज का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ हो गया जिससे आपको बहुत बुरा लगा यू डेंट लाइक इट वो ऑफेंसिव होता है वैसे ही कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इट्स ऑफेंस और कुछ अनॉय कर रहा है सो अनॉयंस राइट सेंटेंस है ही टू एट हर रिमार्क्स भाई उसने जो कुछ भी कमेंट्स किए जो भी रिमार्क किए उस पे द पर्सन गॉट अनॉयड या फिर द पर्सन गॉट ऑफेंडेड इनमें से कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वर्ड है मैलफियस विच मीन रॉन्ग डूंग स्पेशल अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है ठीक है और अगर वो कोई गलत काम कर देते हैं तो वर्ड मैलफियंस होता है ये कुछ ही कंट्री में यूज होता है ऐसे ओवरऑल नहीं आप हर जगह यूज कर सकते बट येस डेफिनेटली पता होना चाहिए मीनिंग कभी कभी किसी अनसीन पैसेज में आ जाते हैं ऐसे वर्ड्स ठीक है सो रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल इज मैल फीएसेंस और ऑल्सो मैल फंक्शनिंग मेलेस इसमें एम मेल जब स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो वो कुछ नेगेटिव की बात कर रहा होता है ठीक है नेक्स्ट वर्ड है डेल इन विच इज माइनर क्राइम स्पेशली दैट कमिटेड बाय यंग पीपल छोटा मोटा क्राइम ठीक है और ज्यादातर अगर किसी यंग पर्सन ने किया होता है जो बहुत कम एज के लोग होते हैं अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो वर्ड होता है डेल नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वीवियलिटी, द क्वालिटी ऑफ बींग फ्रेंडली एंड लाइवली फ्रेंडलीनेस तो फ्रेंडलीनेस के लिए एक और वर्ड है जो कि है कॉन्वीवियलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त टाइप का व्यवहार बहुत पोलाइट लाइवली खुश फ्रेंडली ऐसा बिहेवियर अगर किसी का होता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्वी नेक्स्ट वर्ड है पीव विच इज अनॉय और इरिटेट किसी को बहुत ज्यादा अनॉय कर देना इरिटेट कर देना उसके लिए वर्ड हैप्पी। सो so, अम्बरेज में भी द पर्सन इज नॉट हैप्पी बहुत ही सैड टाइप का वर्ड है मेल्फियसेंस में भी कुछ गलत हो रहा है इट्स अ रॉन्ग डूइंग ठीक है भी भले ही छोटा क्राइम हैंग पर्सन तो और निगेटिव हो गया कॉन्वी रियालिटी बहुत ही फ्रेंडली नेचर है सो इट इज जस्ट अपिट ऑफ दुवैशन एंड पी मतलब भी होता है किसी को अनॉय कर देना इरीटेट कर देना तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो सामने वाले को बहुत ज्यादा ड करो गुस्सा दिला रहे हो ठीक है so, सो इस तरीके से एक ही वर्ड है अमरेज का जो ऑपोजिट है वो क्या है कॉन्वी रियालिटी यानी फ्रेंडलीनेस सो यू गॉट योर आंसर एंड ऑल्सो यू गॉट न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड क्लियर ओके okay. अभी तक आ चुके हैं इतने वर्ड्स तक तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ओ भगवान इतने सारे क्वेश्चंस और ऐसे वर्ड्स इतने डिफिकल्ट तो यही है लेवल अचीवर्स का और इमेजिन करो अगर ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाते हैं आपको पता है इसमें से एक भी कोई वर्ड हो जो आपको आ जाए एग्जाम और आपको याद हो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा आपका है ना सो so इस तरीके से प्रिपरेशन को प्लीज जारी रखो भली डर लगे इन वर्ड से बट वापस बोलूंगी डर के आगे जीत है सो डेफिनेटली यू नीड टू अचीव दैट जीत है ना बाय परफॉर्मिंग बाय प्रैक्टिसिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हर एक वर्ड को द वे आई वांट यू टू क्लियर ओके चलो सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं जहां वर्ड है ओमनी प्रेजेंट अब ये वर्ड तो बहुत बार पढ़ते हैं मतलब बहुत ही बार पढ़ते हैं पता है कब पढ़ते है इस वर्ड को। जब बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में आप ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते और आपको यूनिवर्सल ट्रुथ भी आता है मतलब जो जगत सच है, है ना? और उसमें क्या होता है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट भगवान जो है वो हर जगह है राइट right? सो so वही चीज है ओमनी प्रेजेंट वर्ड तो आपको पता है बट क्या आपको बाकी वर्ड्स पता है वो पढ़ लेते हैं so

So, सबसे पहली चीज जो आपको ऑलरेडी पता है वो है ऑफ गॉड प्रेजेंट एवरीवेर एट द सेम टाइम कि भाई भगवान जो है वो हर समय हर जगह प्रस्तुत होते हैं उपस्थित होते हैं, right तो उनके लिए वर्ड कर लेते हैं। हम ओमनी प्रेजेंट है ना कि भगवान हर जगह प्रेजेंट प्रेजेंट है तो तो ओमनी का ये मीनिंग तो आपको पता है बाकी मीनिंग क्या होता है कि हम सिर्फ भगवान के लिए ही यूज कर सकते हैं वर्ड नहीं एक और मीनिंग है और वो ये है कोई भी चीज अगर हर जगह आपको दिख जाए बार बार आपको दिख जाए वाइडली और कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर्ड यानी वाइड स्प्रेड अगर हर जगह फैली हुई है वो बात या वो चीज या हर जगह मिल जाती है दैट इज वॉट इज ओमली प्रेजेंट है ना भगवान हर जगह अवेलेबल है हर जगह प्रेजेंट है और आपकी बात सुनने के लिए उसी तरीके से आप क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ या कुछ भी ऐसा अगर हर जगह प्रेजेंट है या बहुत ईजीली मिल जाता है वाइडली स्प्रेड है तो हम ओमनी प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल देश डे इज द मीडिया और ओमनी प्रेजेंट भैया आजकल के दिनों में मीडिया जो है हर जगह प्रस्तुत हो जाती है हर जगह प्रेजेंट होती है अगर मतलब कुछ भी न्यूज़ चाहिए आपको इफ़ यू जस्ट रियली रीड अ लॉर्ड ऑफ ऐसे अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो बॉलीवुड न्यूज वगैरह तो आपको पता होगा कि भाई हर एक छोटी चीज की न्यूज पता होती है मीडिया वालों को बिकॉज दे आर एवरीवेयर है ना तो ओमनी प्रेजेंट हो गए सो so इस तरीके से ओमनी प्रेजेंट का एक जो मीनिंग है वो तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट बात करते हैं जो वर्ड ऑप्शन नंबर ए है इट इज उबी क्वेरस विच इज प्रेजेंट अरिंग और फाउंड एवरीवेयर अगर कोई चीज हर जगह मिलती है हर जगह पाई जाती है देन बी गो विद दिस वर्ड यानी ये भी ओमनी प्रेजेंट का ही एक सिनोलियम की तरह एक्ट कर रहा है करेक्ट नेक्स्ट वर्ड है रिशर्शे विच इज रेयर एक्सॉटिक और ऑब्सक्योर वट इज एक्सोटिक सुना होगा कभी कोई एग्जॉटिक डिश खाई है इसका मतलब होता है जो बहुत कम जगह बनती है और इतनी कॉमन नहीं होती जैसे कि बाकी की हमारी खाने की चीजें कैसे कॉमन होती हैं एग्जॉटिक इतना कॉमन नहीं होता है ना बहुत रेयर और बहुत अलग चीज होती है वैसे ही कोई भी चीज अगर रेयर है बहुत कम मिलती है बहुत एग्जॉटिक है या याब्सक्योर है देन वी गो विद द वर्ड देन यू हैव द वर्ड राइफ इज स्पेशली ऑफ ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल कॉमन स्पेशमन ऑक्राइट स्प्रेड यानी कोई चीज जो अच्छी नहीं लगती लाइक यू डोंट डिजायर इट और वो चीज बहुत ज्यादा बार आ जाए कॉमनली अकर हो या बहुत जगह फैली हो हर जगह मिल जाए देन वी गो विद वर्ड राइफ नेक्स्ट यू हैव the word 'prevalent', इज वाइड स्प्रेड इन अ particular एरिया और एट अ particular टाइम तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर वो हर जगह पाई जाती है चीज तो वहां पर प्रेवलेंट है राइट ये तो हमको पता ही है सो so, इस तरीके से ओमनी प्रेजेंट हर A, B, A, हर जगह जगह है ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए बी सी एंड डी भी ये ऑलमोस्ट बहुत कॉमन है यूजुअल है बट जो वर्ड बी है से वो एक्सॉटिक और रेयर के लिए यूज हो रहा है इसीलिए आपका जो सही ऑपोजिट होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी तो एंटोनिम्स को पढ़ने में ना एक बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है आपको बहुत सारे सेम मीनिंग वर्ड्स भी मिल जाते हैं साथ ही साथ एक

मतलब कॉमन तो नहीं है बट येस इट्स समथिंग जो ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए सो द वर्ड एंग्विश मीन्स अगर बहुत ज्यादा मेंटल या फिजिकल पेन या सफरिंग है देन वी गो विद दिस वर्ड सो सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग इज वॉट इज एंग्विश फॉर एन एग्जाम्पल मोहन लुक डैट हिम इन एंग्विश मोहन जो है वो उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा पेन में है मेंटल पेन में है या बहुत ज्यादा टेंशन में डिस्ट्रेस्ड है क्स्ट वर्ड है डिलेक्टेशन विच मीन प्लेजर एंड बहुत खुशी की बात है सफर कर रहा है तो उसके लिए भी वर्ड क्या यूज करते हैं पर गेटरी नेक्स्ट वर्ड है वो थिंग्स दैट को सौरों और डिस्ट्रेस ट्रैबल्स यानी कोई चीज जिससे बहुत ज्यादा दुख होता है या जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सफरिंग होती है ट्रबलिंग हो सकती है कोई कंडीशन बिकॉज ऑफ दैट तो उसको हम क्या देते हैं वो एंड नेक्स्ट यू हैव दर्ड डोलो तो इट्स रो है ना र डोलर की तरह रो मत प्रोनाउंस करो ठीक है सोट शुड बी डोल एक ऐसा स्टेट या सिचुएशन विच इज ऑफ ग्रेट सोरोस्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा अगेन सफर कर रहे हैं बहुत दुख में है ठीक है सो इस तरीके से एंग्विज बहुत मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग ठीक है सो द पर्सन इज इन मेंटल पेन राइट

ऐसे करके याद रख सकते हो ताकि डिलाइट वर्ड याद रहे डन ओके आ जाते हैं एथ क्वेश्चन पे जहां वर्ड है स्काउल्ड देन यू हैव ग्लोअ ग्रीन ग्लैर कितने सारे वर्ड्स हो गए ना तो ग्लेरिंगली तो हम बात कर ही चुके हैं तो ग्लेर उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आई होप किसी को पता हो लिटरेचर वगैरह में बड़ा यूज किया जाता है इस वर्ड को एंड ग्लोअ ग्लंच एंड स्काउल्ड आई वुड टेल यू इवन स्काउल्ड वर्ड के भी चांसेस हैं शायद कुछ बच्चों को पता हो जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं सो लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग स्काउल का मतलब है फ्राउन इन एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वे फ्राउन जो होता है ऐसे आंख आईब्रो पर करके जो फेस होता है ना उसको फ्राउनिंग कहते हैं तो अगर कोई बहुत गुस्से में है बहुत ज्यादा बैड टेम्पर्ड वे में अगर कोई फ्राउन कर रहा है देन यू गो विद द वर्ड स्काउल फॉर एन एग्जाम्पल ही स्काउल्ड एंड मूवड अवे भाई उसने जो एक्सप्रेशन दिया वो क्या था फुल ऑफ गुस्सा ऐसा आईब्रो रेस करके दैट इज वॉट इज स्काउल करना नेक्स्ट वर्ड है अगर किसी के face पे बहुत ही एंग्री वाला गुस्से वाला बहुत ही ऐसे you know, मुरझाया हुआ सा चेहरा है ठीक है तो और दिख रहा है पर्सन बहुत बैड टेम्पर वाले मूड में है then the word is used for them. Next word है डिप्रेस्ड दिखना इज वॉट इज ग्लंच नेक्स्ट वर्ड है grin. grin का मतलब होता है बहुत ब्रॉड स्माइल देना एंड ग्लेयर इज stare इन एन एंग्री और फियर्स वे अगर किसी को ग्लेयर करो उसका मतलब बहुत ही गुस्से में बहुत ही ऐसे तीखे वे में आप किसी को घूर रहे हो ठीक है सो so, इस तरीके से scowled में भी द पर्सन इज टू मच एंग्री अब मैं इसमें एंग्री का क्या ही बनाऊँ ठीक है समझ लेते हैं so, है, है, स्म है। है, है, की बात किया गया है। है, में भी इसीलिए सिर्फ ग्रिन है, जिसमें एक smile की बात की गई है और यही आपका सही ऑपोजिट है ऑफ द वर्ड स्काउट नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड दिया है ऑन स्लॉट एंड ऑप्शन साली फॉर ए रिट्रीट ठीक है नाउ लेट्स रीड द मीनिंग्स बहुत अलग वर्ड्स हैं एंड ऑप्शन नंबर बी वैसे बिल्कुल प्रनाउंस नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हो ठीक है सो लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग्स सो ऑनस्लॉट का मतलब है अफियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक बहुत ही गुस्से वाला और ऐसा अटैक करना जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन बहुत डैमेज कॉज हो सकता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑन स्लॉट फॉर एन एग्जाम्पल दे कुर इन विद स्टैंड ऑन स्लॉर्ड वो बिल्कुल भी वो जो एक डिस्ट्रक्टिव अटैक था वो जो एक बिल्कुल यू नो फर सा अटैक किया गया था उसको विद स्टैंड नहीं कर पाए नेक्स्ट वर्ड है सॉटी विच इज एन अटैक मेड बाय ट्रूप कमिंग आउट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ डिफेंस तो एक तरीके से अटैक कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व अगेन एक अटैक की बात हो रही है दैट इज इज सॉटी नेक्स्ट वर्ड है साली विच इजन चार्ज आउटीज प्लेस अगेंस्ट द एनिमी और वही चीज है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यानी कि एकदम से आपको किसी दुश्मन के खिलाफ अटैक करना है दारिस इज साली और एक सडन अटैक है ये ठीक है नेक्स्ट है फॉरे विच अ सडन अटैक और इनकर्जन इंटू एनिमीज टेरिटोरी something, जैसे एक रेड भी कहते हैं जैसे कि एक बोलते नहीं, रेड वर्ड तो सभी को पता होगा तो अगर किसी पे सस्पेक्ट है कोई और वहां पर यू you नो know, पता चल रहा है कि यहाँ पर हमको यू you नो know, चेक करना चाहिए बहुत पैसा मिलेगा समथिंग इज रॉन्ग तो फिर क्या होता है एकदम से एक सडन अटैक होता है उनके टेरिटरी यानी उनके घर में या उनका जो भी यू uh, नो you know, उनके अंडर में जो भी प्रॉपर्टी आती है अगर वहां पर एक सडन अब कोई अटैक करता है दैट इज वॉट इज फॉर नेक्स्ट बात करते हैं रिट्रीट रिट्रीट एक आर्मी के लिए यूज किया जाता है वर्ड विड्रॉ फ्रॉम एनिमी फोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर पार और आफ्टर अ डिफीट या तो हार गए हैं या फिर सामने वाला जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी है और अगर आप गिव अप कर देते हो या फिर आप विड्रॉ कर लेते हो कि नहीं अब हमको नहीं लड़ना दैट इज इज रिट्रीट करना यानी यहां पर भी एक अटैक की बात हो रही है यहां पर भी एक अटैक है सैली फॉरे में भी एक अटैक कर रहे हो बट वर्ड रिट्रीट में विड्रॉ करने की बात हो रही है सो जस्ट ऑपोजिट है इसीलिए रिट्रीट जो है वो बिल्कुल सही एंटोनियन या सही ऑपोजिट होगा ऑफ द वर्ड ऑन स्लॉट डन ओके नेक्स्ट आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे जहां वर्ड है ऑप्शंस हैं क्विंट एसेंस मैला प्रपो आर्टाइप एपिटोम एपिटोम वर्ड मैंने पढ़ाया है आरकी भी पढ़ाया है अब बस ये होना चाहिए कि आपको याद हो ठीक है सो दीज वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड और बाकी वर्ड्स वी नीड टू डेफिनेटली डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम सो पैराडिग्म पढ़ लेते हैं इसका मतलब है अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग अ पैटर्न और मॉडल यानी कि अगर किसी चीज का एक टिपिकल एग्जाम्पल है या एक पैटर्न सेट है जैसे अगर मुझे पता है कि भैया ओ शीट ऐसी ही बनती है तो एक पैटर्न एक एग्जाम्पल है वैसे ही बनेगी फिर ओ शीट करेक्ट सो so इस तरीके से किसी भी चीज का एक टिपिकल एग्जाम्पल एक जो होता है ना उसको हम कहते हैं फॉर एन इज अ सेंट फॉर डिस्क्राइबिंग एन आइडियल वुमेन भैया एक ऑलरेडी सेट रहता है एक एक सेट होता है कि एक आइडियल वुमन क्या होती है एक आइडियल मैन क्या होता है बहुत सारे से परफेक्ट मॉडल्स या एग्जाम्पल सेट होते हैं ना तो उसी के लिए हमने वर्ड यूज किया गया है पैराडिग्म है क्विंट असेंस विच मीनस द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और क्लास किसी एक परफेक्ट क्वालिटी किसी एक परफेक्ट क्लास के लिए एक जो सेट एग्जाम्पल होता है मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल उनके लिए यूज करते हैं वर्ड क्विंट असेंस नेक्स्ट क्स्ट हैपो विच इज इनोर्चुनिट इन अपॉर्च्यून और इन अप्रोप्रिएट वे वैसे भी मैंने बोला ना और ऐसे वाले वर्ड जो होते हैं ना उनका मतलब ऐसे ही होता है। so, अगर हम बात कर रहे हैं इसका मतलब कोई भी चीज जो एक इन अपॉर्च्यून एक इन अप्रोप्रिएट वे में है सो इट्स नॉट लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटीन वे नेक्स्ट बात करते हैं आर्की वॉट इज वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ थिंग

पैरा डेक में सो इस तरीके से दस डाउन no कर लिया होगा पचास में से कुछ तो समझ आएंगे कुछ तो याद हो गए होंगे आई होप सो अगर ध्यान दे रहे हो फोकस के साथ पढ़ रहे हो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो कि नहीं आज तो मतलब सीख के जाएंगे फॉर श्योर sure, आपको बिल्कुल अच्छे से वर्ड याद हो गए होंगे क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज द इलेवेंथ क्वेश्चन जहां पे वर्ड है डी फंक्ट एंड दर इन ऑब्सोल्यूट एक्स एक्सटेंट so, नहीं है नंबर वन इट्स एक्सटैंड ठीक है एंड नंबर टू ऑब्सोलीट इज द टर्म जो फोर्स sure आपने सुना होगा बट इसका जो एक और मीनिंग है दैट वी अर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टू डे विडियो तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डी फंक को ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज डेफिनेटली लिंक विद समाइंड ऑफ अ फंक्शन बिकॉज इसमें आ रहा है वो फंक्शन वाला पॉइंट बट नहीं है ऐसा कुछ भी ठीक है सो दिस इज दिस वर्ड इज नॉट लिंक विद एनी का फंक्शन डिसिपेट भी वर्ड किसी ना किसी बच्चे ने सुना जरूर होगा रीड द ऑफ सो डिफंक का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही बिल्कुल भी और ना ही अभी उसका कोई फंक्शन है दैट इज समथिंग जिसको हम डी कहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल ये मशीन जो हैं अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और फंक्शन नहीं कर रही हैं तो देखो दो मीनिंग है या तो कोई चीज जो है वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती नंबर वन या फिर कोई चीज है तो बट अब वो फंक्शन नहीं करती है तब भी हम वर्ड यूज करते हैं डी यानी यहां जो फंक्शन वाला हमको दिख रहा है उसका भी मीनिंग हम कहीं कही ना कहीं लिंक कर सकते हैं बिकॉज

मेमोरी और एग्जिस्टेंस या तो नजरों के सामने अब नहीं है या दिमाग में नहीं है या एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ठीक है तो अब कोई चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती इस तरीके से मीनिंग जो है इसका समझ सकते हो जिसे कह रहे हैं हम इवनेस नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट विच मीन्स नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज आउट ऑफ डेट ठीक है तो अब जो है कोई चीज ना तो वो बन रही है ही उसका उपयोग किया जाता है तो वो क्या हो गया आउटडेटेड वर्ड सुना होगा आपने है ना आउटडेटेड वर्ड हम कब यूज करते हैं जब कोई चीज जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है तो हमने एक वर्ड यूज किया था या पढ़ा था के लिए हमने सिनोनिम्स के अचीवर सेक्शन में पढ़ा हुआ है वर्ड सो so हमने पढ़ा है वर्ड आरकी एक जिसका मतलब क्या होता है या तो आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन यानी कोई पुराना कुछ है जो अब यू you नो know, एग्जिस्ट नहीं करता आया बहुत पुराना कोई चीज़ की बात कर रहे हो ठीक है यहाँ पहले बहुत उपयोग किया जाता था उसको हम कहते हैं आरके सिमिलरली वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पर आउट ऑफ डेट यानी आउटडेटेड और ऑब्सोलीट उसी के लिए यूज़ करते हैं यानी कि अब वो चीज़ जो है ना तो बनती है ना ही उपयोग में आती है नेक्स्ट वर्ड है एक्सटैंट विच मीन्स स्टिल इन एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग तो कोई चीज अगर अभी भी एग्जिस्ट करती है अभी भी सर्वाइव कर रही है यानी अभी भी उसका यू, यूज हो रहा होगा राइट तो उसको वर्ड बोल देते हैं हम एक्सटेंट Next word है डिसिपेट विध रेफरेंस टू फीलिंग और इमोशन गायब हो जाए, या उसको गायब कर दिया जाए, वो चीज़ क्या है? कोई भी 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 या या तो कुछ भी feeling या कुछ भी emotion अगर गायब हो जा रहा है या उसको गायब किया जा रहा है दैट इज वॉट इज डिसिपेट का मतलब so इस तरीके से डी फंक्ट का मतलब क्या है डी और फंक्ट फंक्शन की तरह याद करेंगे so function अब नहीं करता है या फिर वो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती नेक्स्ट वर्ड है एविनेस जिसका मतलब है या तो वो साइट या मेमोरी या फिर एग्जिस्टेंस से ही दूर हो चुकी है देन ऑब्सोलीट यानी अब ना तो उसको बनाया जाता है ना ही उसको, उसको यूज किया जाता है आउटडेटेड है एक्सटैंट मतलब अभी भी एग्जिस्टेंस में है और उसको सरवाइव भी कर रही है चीज एंड डिसिपेट कोई भी इमोशन और फीलिंग के लिए वर्ड है कि अब वो जो है डिसअपियर हो गया या फिर उसको डिसअपियर कर दिया गया सो so, इस तरीके से डी का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी एक्सटैंड बिकॉज इसी का मतलब क्या है कि अब वो एग्जिस्ट कर रही है अभी भी और फंक का मतलब है ना तो वो एग्जिस्ट कर रही है ना ही function कर रही है क्लियर नेक्स्ट आते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन पे जहां वर्ड है अब पर आपने शायद सुना हो like law की भाषा में ऐसे करते हैं और फॉर श्योर sure आपने इम्पीचमेंट सुना होगा प्रीचमेंट तो सुना होगा इंपीचमेंट ऑफ लॉ है ना, so, इस तरीके से वर्ड्स को हमको लिंक करना है सो so, सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे लिटिगेशन का दिस मींस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लीगल एक्शन लिया जा रहा हो उसे लिटिगेशन कहते हैं फॉर एन एग्जांपल द पेमेंट वाज मेड टू अवॉइड लिटिगेशन यानी कि जो पेमेंट है उसको कर दिया गया था क्या अवॉइड करने के लिए लीगल लीगल एक्शन जो लिया जाएगा वो भी एक धमकी भरा लीगल एक्शन उसको अवॉइड करने के लिए सो so लिटिगेशन क्या है कोई भी एक प्रोसेस जिसमें किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है नेक्स्ट वर्ड है एक्विशेंस विच मींस द समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट यानी अगर कोई चीज हो रही है तो आप जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो यू आर लाइक अच्छा ठीक है जो हो गया हो गया यू हैव एक्सेप्टेड इट। सो इस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है और यहाँ पर एक्शन लेने की बात हो रही है यानी कुछ ऐसी चीज हुई ठीक है जिसके खिलाफ एक देखो दो होंगे उसके आ, वेज आपके पास एक तो होगा कि आप उसके खिलाफ अगेंस्ट एक एक्शन लोगे दूसरा होगा कि आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो यहां एक्शन लेने की बात हो रही है और यहां पर क्या हो रहा है एक्सेप्टेंस की बात हो रही है नेक्स्ट वर्ड है इनडिक्टमेंट विच मीन अ फॉर्मल चार्ज और ऑफ अ सीरियस क्राइम अगर किसी ने बहुत सीरियस क्राइम किया है तो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मल चार्ज लगा देना ठीक है पुलिस चार्ज लगाना या एक्यूजेशन यानी कि ब्लेम करना कि भाई इसने ही क्राइम किया है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंडिक्टमेंट नेक्स्ट वर्ड है इम्पीचमेंट विच इज अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट मेड अगेंस्ट द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस अगर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है ठीक है प्राइवेट ऑफिस नहीं है कोई पब्लिक है लाइक गवर्नमेंट ऑफिस है और उसमें अगर किसी ने कुछ गलत किया है मिसकंडक्ट किया है या कोई भी यू नो मिस्रोप्रिएट एक्शन लिया है या इनअप्रोप्रिएट बेटर वर्ड है तो क्या हो जाएगा भाई उसको हम कहेंगे इम्पीचमेंट सो अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट मेड अगेंस्ट द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस नेक्स्ट वर्ड है कॉल और ड्रिंक सम वन बिफोर टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज किसी को कोर्ट में लेके आना क्योंकि उनपे कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है सो दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट सो उसे कहते हैं अरैंगमेंट इस तरीके से लिटिगेशन क्या है एक प्रोसेस जिसमें आप लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हो एक्विशंस में एक बिना आर्ग्यू किए बिना झगड़ा किए एक्सेप्टेंस की बात हो रही है इंडिक्टमेंट में एक फॉर्मल चार्ज लगाया गया है इल्जाम लगाया गया है बिकॉज कोई क्राइम किया है इम्पीचमेंट में भी एक चार्ज लगाया गया है एंड कोर्ट में ले जाया जा रहा है इन अराइनमेंट इस तरीके से सिर्फ एक है जिसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है कोई एक्शन लिया जा नहीं रहा है बल्कि एक्सेप्टेंस हो गया है इस तरीके से एक्विशंस जो है यही होना चाहिए आपका सही एंटनेम यानी ऑपोजिट ऑफ लिटिगेश क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं थर्टींथ क्वेश्चन की जहां वर्ड है कोलेट एंड द ऑप्शंस आर एग्रीगेट डिसमेंटल डिसमेंटलैट कॉन्ग्रीगेट अब देखो यहां बात हो रहा है कोलेट का वी डोंट नो एग्रीगेट तो पता होगा ठीक है एक एग्रीगेशन देन यू हैव डिसमेंटल डिसमेंटल भी आपने सुना होगा अगर आप ऐसे मशीनरीज वाली मूवी या ऐसा कुछ देखते हो तो उसमें डिसमेंटल वर्ड यूज करते हैं अक्यूमिलेट तो सबको पता है इकट्ठा हो जाना और कॉन्ग्रीगेट और एग्रीगेट अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है इनको एक साथ ही पढ़ना है सो लेट्स जस्ट सी द वर्ड कोलेट मीन कलेक्ट एंड कंबाइन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन और डेटा यानी कि यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही है कोलेट में ठीक है तो आप अगर कभी कोई टेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट या कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा अगर कलेक्ट करके रखते हो तो उसको कहते हैं कोलेट फॉर एन एग्जाम्पल ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इज बींग कोलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसको कलेक्ट करके अब कंबाइन किया जा रहा है यानी कोलेट किया जा रहा है नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट फॉर्म्ड और कैलकुलेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स जिसे टोटल कहते हैं जैसे एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं ठीक है तो बहुत सारी चीजों को एक साथ देखकर समझकर कैलकुलेट कर समझ कर फाइनली एक चीज पे जब आते हैं ना उसको कहते हैं वो एग्रीगेट है यानी टोटल के लिए एक वर्ड है नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं डिसमेंटल डिसमेंटल का मतलब है टेक अ मशीन और स्ट्रक्चर टू पीसेस अगर किसी मशीन या किसी भी स्ट्रक्चर को आप टुकड़ों में कर रहे हो यानी कि अलग अलग कर रहे हो तोड़ रहे हो उसे हम डिसमेंटल करना कहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कोई मशीन बन रही है अगर उसके बहुत सारे पीसेज हैं ठीक है ठीके? उन सारे पीसेस को जोड़कर उस मशीन को बनाया गया अब वही पीसेज सेपरेट किए जा रहे हैं ताकि वो मशीन अलग अलग हो जाए लाइक पार्ट्स में सेपरेट हो जाए तो उसको क्या कर रहे हो डिसमेंटल कर रहे हो नेक्स्ट है अक्यूमिलेट विच मींस ग्रेजुअली गैदर और रिजल्टिंग होल यानी कि धीरे धीरे जो है gather हो जाना कहीं पे इकट्ठा हो जाना उसे कहते हैं नेक्स्ट है, है क्राउड एक एक में में जो है इकट्ठा हो जाना दैट्रीगेट सो so इस तरीके से कोलेट में बहुत सारी चीजें जो है उनको आप एक साथ लाकर क्या कर रहे हो कलेक्शन बना रहे हो Then, में भी बहुत सारी चीजों को देखकर एक चीज पे आया जा रहा है देन डिसमेंटल में एक चीज को बहुत सारी चीजों में अलग अलग किया जा रहा है ठीक है सो इट्स नॉट टूगेदर अक्यूमेलेट में भी बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं और सेम चीज कॉन्ग्रीगेट में है बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं क्लियर सो इस तरीके से सिर्फ एक क्या है जिसमें अलग 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 कर रहे हो और वो है डिसमेंटल बाकी सब में आप इकट्ठा कर रहे हो इसीलिए कोलेट का जो एक सही ऑपोजिट कहना चाहिए या एंटीनिम कहना चाहिए वो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी जिसको हम क्या कह रहे हैं टल क्लियर सो कभी भी कोई मशीनरी या कुछ भी उसको पीसिस में करा जा रहा है अलग अलग तो उसको डिसमेंटल कर रहे है। हैं हम पढ़ चुके हैं हमने सोलिट्री वर्ड भी पढ़ा है अगर आपको याद हो तो सॉलिट्री का मतलब होता है एक लाइक ऑल अलोन और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत एक यानी अलोन रहना and then बात करते हैं तो self -denial का मतलब खुद को deny करना में भी. Frugality नहीं पता है, भी नहीं पता है करप्शन फॉर श्योर पता है कि कोई क्राइम हो रहा है गलत हो रहा है राइट लेट्स रीड द मीनिंग ताकि आपको और अच्छे से सबके मीनिंग क्लियर हो जाए का मतलब है सेवरल सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है ना कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो और जो बेसिक जो भी चीजें हैं मो माया वो सब आप त्याग रहे हैं अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है इट कुड भी रिलीजियस और इट कुड भी समथिंग एल्स बिकॉज आपको सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है अब क्या होता है ना जब बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में लाइक बहुत सारा पैसा घर रेस्टोरेंट पार्टीज खाने का इतना सारा सामान बहुत सारी चीज़ें जो भी है तो हम ना भटक जाते हैं देन वी डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस तो उससे बिल्कुल दूर हट रहे हो अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन ला रहे हो उसको कहते हैं कि भैया क्या कर रहे हो यू आर डिस अवॉइडिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ लॉर्ड ऑफ इंडेजेंसेस और एक चार चीज़ क्या होती है कि भाई मोह माया त्यागनी है तो रिलीजियस रीजन्स की वजह से भी कई लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं इंडलजेंस को तो उन दोनों ही एस्पेक्ट्स को क्या कहा जाता है एसिटिसिज्म फॉर एन एग्जाम्पल ऑल वर एंकरेज टू लीव अस्टेरिक लाइफ विदाउट अर्दली प्लेजर्स तो सभी को लाइक like, सपोज कहीं पे गए कोई गैदरिंग रिलीजियस गैदरिंग में वहां पे सबको एंकरेज किया गया कि यू शुड लीव ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स डिस्ट्रैक्शन एंड यू शुड स्टार्ट लीडिंग एन एस्टेरिक लाइफ यानी कि एक ऐसी लाइफ जिसमें देर इज नो इंडलजेंस इन एनी काइंड ऑफ थिंग जो कि प्लेजर्स होते हैं अर्दली प्लेजर्स उन सबसे दूर रहकर यू लीड अ लाइफ जो कि बहुत सिंपल लाइफ है क्लियर नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ डिनायल अ रिस्ट्रेंट और लिमिटेशन ऑफ वंस ओन डिजायर्स और इंटरेस्ट यानी अगर कोई पर्सन अपनी खुद की इच्छा खुद के इंटरेस्ट इन सब से बिल्कुल इनको यू you नो know, दूर कर देता है रिस्ट्रेन लिमिट कर देता है कि नहीं वी डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन टू आर इंटरेस्ट डिजायर इन सबको हटा देता है तो उसके लिए वर्ड होता है सेल्फ डिनाइल यानी इसमें किस चीज को डिनाई किया जा रहा है खुद के डिजायर्स और खुद के इंटरेस्ट को नेक्स्ट बात करते हैं फ्रुग्यालिटी विच मीन द क्वालिटी ऑफ बींगोनोमिकल विथ मनी और फूड जिसे थ्रिफ्टीनेस भी कहते हैं थ्रिफ्टी होना क्या होता है बहुत जो होते हैं उनके लिए वर्ड हमने पढ़ा हुआ है राइट सो so, वैसे ही अगर कोई पर्सन जो है पैसा वगैरह इन सबको इकोनॉमिकल तरीके से यूज करा है नहीं, बहुत जोड़ जोड़ के कर रहा है ज्यादा यू नो उसमें क्या बोलते हैं खर्चा नहीं कर रहा है यानी पर्सन क्या कर रहा है पैसा बचा रहा है अगेन एक मोम आया है सो दैट इज वॉर इज फ्रूग्यालिटी नेक्स्ट वर्ड है करप्शन डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट बाय दो इन पार टिपिकली इन्वॉल्विंग ब्राइबरी यानी कोई भी पर्सन जो बहुत डिसऑनेस्ट फ्रॉड वाला कुछ भी काम कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा पार में है उनसे रिलेटेड टिपिकली इन्वॉल्विंग ब्राइबरी यानी रिश्वत लेना ब्राइब लेना यानी कि रिश्वत लेना दैट इज वॉट इज करप्शन नेक्स्ट है सॉलिट्यूड द स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन ऐसी स्टेट या ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अलग रहना अकेले रहना पसंद करते हो सो यहाँ वर्ड एस्टेरिज्म में क्या कर रहे हो सारी चीजों को अवॉइड कर रहे हो देयर इज नथिंग लाइक नो मो माया व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ डिनाइल, आप यहां पे अपनी डिजायर्स इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो रिस्ट्रेन कर रहे हो सो अगेन ई सेम जा रहा है नेक्स्ट बात करें फ्रूगालिटी की तो आप यहाँ पर हर एक चीज को बहुत कंजूसी से इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको अभी से लिंक करना पड़ रहा है कि कंजूस हो रहे हैं पैसा बचा रहे हैं राइट सो so इसको यहाँ अलग रखते हैं करप्शन में आप क्या कर रहे हो आप सब गलत क्राइम क्राइम सब कुछ कर रहे हो आप बहुत सारा पैसा ले रहे हो बिकॉज आपको ये सारी अर्थली प्लेजर्स चाहिए राइट right? सो so, ये फॉर श्योर ऑपोजिट है ऑफ एंड नेक्स्ट बात करें सॉलिट्यूड की तो यहाँ अकेले रह रहे हो सो यू डोंट नीड लाइक एनी बडी टू लिव विद या फिर आपको कुछ भी प्रेजर्स नहीं चाहिए और लाइक like, एकांत में जाना है, है ना सो so, इस तरीके से ये भी अलग जा रहा है ना इस तरीके से हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है ना कि करप्शन जो है वो सबसे क्लोज ऑपोजिट है किसका इस वर्ड का जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है यानी कि यहाँ बात हो रही है हर चीज़ त्याग के यू नो नॉर्मल लाइफ जीने की सेल्फ डिसिप्लिन होकर रहने की और यहाँ करप्शन में बात किसकी हो रही है कि आप जो है रिश्वत ले रहे हो क्योंकि आपको अपने खुद के जो भी प्लेजर्स हैं डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करना सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही एंटोनम या ऑपोजिट वर्ड की तरह एक्ट कर रहा है कौन से वर्ड के सेटिसिज्म क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन की जहाँ वर्ड है ऑर्डेन ऑप्शंस हैं प्रम्यूल गेट प्रिस्क्राइब डेक्री एक्विट अब यहां पर वर्ड प्रिस्क्राइब जरूर पता होगा लोगों को जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमको जो मेडिसिन वगैरह वो लिख के देते हैं जो एक पेपर पे उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइट सो वहां पर प्रिस्क्राइब वर्ड कैसे आ सकता है कि भैया डॉक्टर्स हैव हाँ प्रिस्क्राइब मी दीज मेडिसिन यानी कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में ये मेडिसिन को मेनटेन मेंशन uh, किया है और ये मेडिसिन मुझे खानी अकॉर्डिंग टू दैम वो एक मीनिंग हो जाता है प्रिस्क्राइब का एक और मीनिंग है जो आज आपको पता ही चलेगा इस क्वेश्चन में सो लेट्स जस्ट रीड द द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑर्डेन ऑर्डर समथिंग ऑफिशियली यानी एक ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है ना उसको ऑर्डेन कहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल इक्वल पनिशमेंट वॉज ऑडेन फॉर द टू क्राइम सपोज किसी ने कोई दो क्राइम किए दोनों ही क्राइम के लिए इक्वल पनिशमेंट का ऑर्डर दिया गया ठीक है तो ऑर्डेन So, क्या हो जाता है ऑफिशियल ऑर्डर देना नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की जहां वर्ड है फ्रॉमल गेट विच मीन पुट अ लॉ और डेकरे इनटू इफेक्ट बाय ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन वॉट इज प्रोक्लेमेशन अनाउंसमेंट ठीक है तो प्रोक्लेम कर देना ऑफिशियली कि भाई आपको ये ऑर्डर या ये रूल या ये लॉ जो है उसको इंटू इफेक्ट लेकर आना है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फ्रॉमियल गेट नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्क्राइब स्टेट ऑथोरिटेटिवली और एज अ रूल दैट एन एक्शन और प्रोसीजर शुड बी कैरीड आउट तो एक अथॉरिटी के साथ एक पार के साथ ये बोल देना कि भाई ये एक्शन ये रूल ये प्रोसीजर इसको ऐसे कैरी आउट करना है यानी कि अगेन एक चीज जो है वो ऑर्डर दी जा रही है ऑफिशियल वे में नेक्स्ट वर्ड फोर्स ऑफ लॉ एक ऐसा ऑर्डर जो ऑफिशियल है, है साथ ही साथ उसमें लॉ का फोर्स जुड़ा हुआ है सो अगेन ऑफिशियल ऑर्डर की बात कर रहा है. Next, बात करें का मतलब होता है फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय ऑफ नॉट गिल्टी तो अगर किसी को किसी पे क्राइम का चार्ज वार्ज लगा है और तो उस इल्जाम से यू you नो know, फ्री कर दिया जाता है कि नहीं गिल्टी नहीं है इनोसेंट है इस पर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्विड सो so, इस तरीके से ऑर्डेन क्या है एक ऑर्डर देना ऑफिशियल ऑर्डर प्रोमल गेट में भी क्या कर रहे हो एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन या ऑफिशियल ऑर्डर दे रहे हो प्रिस्क्राइब में भी हम एक मीनिंग पढ़ रहे हैं जो अलग है फ्रॉम वॉट वी ऑलरेडी न्यू और वो क्या है अथॉरिटेटिवली एक पार के साथ एक एक्शन एक रूल को डिक्लेयर कर देना तो ये भी एक ऑर्डर है डिक्री तो है ही एक ऑफिशियल ऑर्डर बट एक्विट में किसी को फ्री किया जा रहा है फ्रॉम द पनिशमेंट या चार्ज जो भी उनके नाम पे होगा सो so, इस तरीके से ये भी एक ऑर्डर है दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर 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 बट दिस इज समथिंग टू फ्री फ्रॉम दैट ऑर्डर तो कोई ऑर्डर नहीं है बल्कि फ्री कर दिया गया है इसीलिए एक्विट जो है वो बिल्कुल सही ऑपोजिट या एंटोनिम है ऑफ द वर्ड ऑर्डे डन नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जहां वर्ड है अबेमल ऑप्शंस हैं वाइल, वाइलिंग इब्यूलियंट फेटेड तो अपैलिंग वर्ड तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है ठीक है अपीलिंग नहीं अपैलिंग ठीक है और इस तरीके से हम इस वर्ड को अगर जानते हैं तो थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हैं बाकी लेट्स जस्ट डिस्कस मीनिंग्स ऑफ अबिसमल वाइल इब्यूलियन फेटेड ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच सकें तो so, सबसे पहली बात एबिसिमल का मतलब है इन एन एक्सट्रीमली बैड वे अगर कोई चीज बहुत ही बुरी तरीके से है ठीक है या जैसे कि अगर कोई सिचुएशन है बहुत बुरी सिचुएशन uh, है या फिर कोई कंडीशंस हैं अगर वो बहुत बुरी हैं तो हम वर्ड एबिसिमल को यूज कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल द लिविंग कंडीशन व एबिसिमल यानी जो भी कंडीशन uh, थी जिसमें भी वो लोग रह रहे रह थे या कोई भी रह रहा था बहुत ही अनप्लेजेंट और एक बैड वे में थी सो इन एन एक्सट्रीमली बैड वे द लिविंग कंडीशन वर्ड है यूज किया गया नेक्स्ट वर्ड है वाइल वाइल ऑल्सो मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट यानी कोई चीज बहुत ही बुरी है या यू नो अच्छी नहीं है ओब्वियसली नेक्स्ट वर्ड ऑलरेडी हम जानते हैं कॉजिंग शॉक और डिसमे हॉरिफिंग अगर कोई चीज जो है वो आपके लिए शॉकिंग है इन अ वेरी निगेटिव वे या फिर बहुत हॉरिफाइंग है स्केरी है देन वी गो विद द वर्ड अ पैलिक नेक्स्ट वर्ड है ए ब्यूलियंट चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी अगर कोई पर्सन बहुत खुश रहता है चीयरफुल है फुल ऑफ एनर्जी है तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ए ब्यूलियन सिमिलर्ली अगर बिल्कुल अच्छे की बात हम कर रहे हैं बहुत चीयरफुल लाइवली सा देन ऑल्सो वी कैन गो विद दिस वर्ड Next word है, fetid. Smelling extremely unpleasant. अगर किसी की स्मेल जो है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है देन वी कैन गो विदर्ड फेटेड यानी सॉरी नॉट इब्यूलियंट अपलिंग एंडेड ये सारे ही वर्ड जो है वो कुछ नेगेटिव इन द वे की इट इज़ नॉट प्लेजेंट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं बट वर्ड इब्यूलियन जो है वो बहुत पॉजिटिव है और जस्ट ऑपोजिट है ऑफ अनप्लेजेंट वेरी प्लेजेंट चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी इसीलिए एबिसिमल का जो सही ऑपोजिट है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इब्यूलियंट क्लियर तो so, इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखने वर्ड अब पैलिंग फॉर श्योर आपने सुना हुआ है बट जो बाकी के वर्ड्स हैं दे आर न्यू फॉर यू सो प्लीज कीप देम इन योर माइंड डन ओके आ जाते हैं सेवनटींथ क्वेश्चन पे जहां वर्ड है डिबिलिएट देन यू हैव एनोवेरिंग डीवाइटिलाइज अंडरमाइंड रेस्टोरेटिव अब यहाँ पर रेस्टोरेटिव का आप रिस्टोर से वर्ड ध्यान में रख सकते हो कि कोई चीज को हम रिस्टोर कर रहे हैं इसके अलावा अंडरमाइंड हो सकता है हम किसी चीज को कम आंक रहे हैं इसीलिए हम अंडरमाइन करना बोल रहे हैं एंड डीवाइटलाइज वाइटल क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट वाइटलाइज मे भी जो किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना रहा है स्ट्रेंथ दे रहा है और डीवाइटलाइज मे बी उसका जस्ट ऑपोजिट हो हमेशा मैं मे बी बोल रही हूँ बिकॉज हम ऐसे एनालाइज कर रहे हैं वर्ड्स को राइट right? देन इसके अलावा डिबिलियेट और एनोवेटिंग में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उसको लिंक कर पाए सो लेट्स जस्ट जम्प इन टू द मीनिंग्स सबसे पहले डिबिलिएट का मतलब है मेक सम वेरी वीक एंड इनफर्म अगर किसी को बहुत वीक बना देते हैं हम फीबल बना देते हैं तो उनके लिए वर्ड हम यूज करेंगे डिबीलिएट लाइक व्हेन वी मेक समबड़ी वीक तो हम क्या करें डिबीलिएट करें फॉर एन एग्जांपल हीट डिबीलेट्स मैनी पीपल यानी yani, जो बहुत तेज अगर धूप होती है सपोज अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर ऑलरेडी समर्स बहुत ज्यादा होते बिकॉज इट्स लाइक स्कॉचिंग हीट रहती है एंड उसके ऊपर अगर हम बोले कि टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया है सो दैट हीट डेफिनेटली मेक्स एवरीबडी वीक है ना हम बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं एक तरीके से एनर्जी पूरी ड्रेंड हो जाती है एंड यू नो हम बहुत ज्यादा ऐसे टायरिंग टाइप का फील करते हैं सो so, इसी तरीके से दिस हीट इज मेकिंग अस वीक तो वर्ड हो जाएगा क्या हीट डे नी पीपल नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं एनोवेटिंग विच मीन कॉजिंग वन टू फील ड्रेन ऑफ एनर्जी और वाइटिलिटी यानी अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे सामने वाले को बिल्कुल एनर्जी जो है बची नहीं है ऐसा फील हो रहा है या एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है ऐसा फील हो रहा है देन वी कैन गो विद द वर्ड इन अ वेरिंग नेक्स्ट वर्ड है डीवाइटलाइज व्हिच इज़ डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ एंड विगर अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ और विगर से डिप्राइव्ड है यानी कि एनर्जी नहीं है एन्दुजाजम नहीं है देन वी कैन गो विद द वर्ड डी वाइटलाइज तो वही था वाइटलाइज शायद हम मान रहे थे कि स्ट्रॉन्ग बनाना डिवाइटलाइज यानी कि बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है सो डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन, लेसन द इफेक्टिवनेस पार और एबिलिटी ऑफ स्पेशली ग्रेजुअली और इनसीडियसली यानी कि धीरे धीरे अगर इफेक्टिवनेस पार या एबिलिटी जो है उसको कम कर दिया जाए तो हम अंडरमाइन कर रहे हैं अगर हम किसी भी सिचुएशन को अंडरमाइन करें कुछ भी अंडरमाइन करें ना इसका मतलब जितना जैसे एक बार सेट है इफेक्टिवनेस है उससे बिल्कुल कम हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड है रेस्टोरेटिव विच मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू रिस्टो हेल्थ स्ट्रेंथ ओवर बीन यानी कि एक हेल्थ को स्ट्रेंथ को या किसी की अच्छी कंडीशन को अगर आप वापस लेकर आ रहे हैं यानी कि अगेन क्या हो रहा है सब कुछ वापस ठीक हो रहा है वापस अबिलिटी आ रही है स्ट्रेंथ वापस आ रही है देन वी कैन गो वर्ल्ड रेस्टोरेटिव इसलिए मैंने री स्टोर से बोला है इसको याद रखो सो so, इस तरीके से डेबिलिट डेबिलीटेट में आप अगेन क्या कर रहे हो यू आर मेकिंग सम ब्री वीक है ना तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है वीक हो रहा है पर्सन एनर्वेटिंग में भी एनर्जी कम हो रही है तो स्ट्रेंथ कम हो रही है डिवाइटिलाइज में भी स्ट्रेंथ की कमी कमी है एंड अंडरमाइन में भी आप इफेक्टिवनेस पार एबिलिटी किसी को भी कम कर रहे हो बट रेस्टोरेटिव में अगेन सारी चीजें वापस आ रही हैं जस्ट रिस्टोरिंग दी हेल्थ दी वाइटिलिटी दी स्ट्रेंथ द वेल बींग इस तरीके से जो डेबिलिटेट का ऑपोजिट है वो फॉर श्योर sure क्या है ऑप्शन नंबर डी रेस्टोरेटिव डन ओके आ जाते हैं एटीन क्वेश्चन पे जहां वर्ड है क्रिपल देन यू हैव बॉल्स्टर सैबोटाज एंड फीबल इम्पीट कई ऐसे शोज होते हैं पता नहीं आप लोग देखते हैं कि ऐसे शोज यहाँ पर ना ऐसे कंपटीशन चल रहा होता है चार पांच लोगों के बीच में और उनका जो गेम वगैरह जो भी उनको दिए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेज या कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा की जाती हैं सो so दैट वो पर्सन कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है इवन इफ ऐसी डिफिकल्टीज आ जाए उसको टेस्ट कर पाएं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुकिंग शो है अब उस कुकिंग शो में जैसे नॉर्मल इंग्रीडियंट्स होते हैं वैसे ना देकर बिल्कुल ऑपोजिट इन्ग्रीडियंट्स दे, दे दिए जाएँ या फिर चार पाँच लोग हैं जिनमें से सिर्फ यू नो कोई एक है जिसने वो पार कर लिया कोई क्वेश्चन वगैरह में भी और बाकी तीन को जो है छोटे छोटे हंड्रेंसेज मिलेंगे जैसे आपको एक ही हाथ से खाना बनाना है या आपको चार पांच ही यूटेंसिल्स दिए हैं उसी में आपको सारा काम करना है तो ये जो चीज़ें होती है वो क्या होती है नॉर्मल जो हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं उससे हटकर कंडीशंस होती हैं जो आपके लिए रुकावटों का, का काम कर रही होती हैं एंड दे आर डिफिकल्टीज फॉर एक्स राइट फॉर श्योर सो ऐसी जो कंडीशन होती है ना उसको हम कहते हैं कि हमने साबो कर दिया है और कभी भी ऐसे शोज देखते हो जो स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं तो वहाँ पर वर्ड एबोटाज ही यूज़ किया जाता है नॉट एनी अदर वर्ड सो इसीलिए ये मीनिंग हम अच्छे से पढ़ लेते हैं सो so, दैट कभी अगर ध्यान ऐसा आता है कि ये वर्ड आ जाए आपके सामने सो यू ऑलरेडी नो द मीनिंग बाकी रही बात एन uh, फीबल की तो फीबल वर्ड हमने पढ़ा हुआ है जब हम वीक की बात करते हैं मीक की बात करते हैं सो वी डू टॉक अबाउट फीबल वर्ड ऐसे ही कुछ रिलेट करके हम इन फीबल को भी पढ़ेंगे नॉट लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिपल सीवियरली डैमेज्ड और माल फंक्शनिंग अब ये जो चीज़ है ना क्रिपल इसके और भी बहुत से मीनिंग्स हैं बट बेसिकली अभी जो क्वेश्चन में मीनिंग जा रहा है वो है सीवियरली डैमेज और मैल फंक्शनिंग यानी कि यहाँ तो बहुत बुरी तरीके से काम कर रहा है नॉट दैट इफेक्टिव या फिर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया कुछ देन वी गो ब वर्ड क्रिपल फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू क्रिपल दे कम्युनिकेशन्स चलो हम कुछ कोशिश करते हैं जिससे हम कुछ हंड्रेंसेज पैदा करें सो so दैट उनका कम्युनिकेशन क्या हो जाए ब्रेक हो जाए तो यहाँ क्रिपल करना यानी उनके कम्युनिकेशन को आप डैमेज करने की बात कर रहे हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि कोड वर्ड में भाषा भाषा में बात चल रही होती है बिटवीन uh, टू स्टेट्स या कंट्रीज या स्टफ लाइक दैट कंट्रीज की बात कर लेते हैं एंड इफ यू आर द वन जो डी करने के लिए एंड यू वॉन्ट कि उनका कनेक्शन ना हो कम्युनिकेशन ना हो जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं सो so यहाँ पर क्या होगा कुछ ऐसा करोगे आप जिससे वो जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाए है ना सो क्रिपल इज द राइट वर्ड फॉर इट दैट इज यू आर ट्राइंग टू डैमेज द कम्युनिकेशन नेक्स्ट वर्ड है बॉलस्टर स्टॉक विच मीन्स सपोर्ट और स्ट्रेंथन यानी किसी चीज को अगर आप सपोर्ट दे रहे हो या स्ट्रेंथन कर रहे हो और ज्यादा मजबूत बना रहे हो देन यू कैन गो विद द वर्ड बॉलस्टर नेक्स्ट वर्ड है सैबोटाज डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग या तो आप ऑब्वियसली डेलिबरेटली है जान के है खुद की आप आगे से बढ़कर यू नो कुछ ऐसा करोगे जिससे कंडीशन डैमेज हो या फिर एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो हिंड्रेंस पैदा हो ऑब्स्टिकल्स आए यानी कि वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया सो so, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं सैबोटाज नेक्स्ट वर्ड है एनफीबल फीबल यानी वीक तो किसी को अगर वीक या फीबल बना रहे हो तो एनफीबल कर रहे हो सो मेक वीक ऑफ फीबल इज एनफीबल Next word है impede which means delay or prevent someone or something by obstructing them ya fir hinder hindrances obstructions obstacles then उसके अलावा sabotage ये सारी चीजें क्या होती है ना रुकावटें पैदा करती हैं ठीक है सो so, when you are talking about impede इसका मतलब किसी चीज को या तो प्रिवेंट कर रहे हो या डिले कर रहे हो कैसे कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करके हिंड्रेंसेज लाकर सो so, इस तरीके से क्रिपल में भी किसी चीज को आप खुद डैमेज कर रहे हैं या खराब कर रहे हो सैबोडाज um, में ऑल्सो यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग समथिंग या डैमेजिंग समथिंग इन फीबल में ऑल्सो आर मेकिंग समथिंग वीक फीबल सो इट्स नॉट लाइक अ पॉजिटिव और स्ट्रेंथ वाला वर्ड इन पीर ऑल्सो यू आर डीलिंग और प्रिवेंटिंग समथिंग बाय नो काइंड ऑफ िएटिंग सम हिंड्रेंसिस एक्सेट्रा लाइक दैट सो इस तरीके से आपके पास एक ही वर्ड है जिसमें सपोर्ट दे रहे हो स्ट्रेंदन कर रहे हो और बेहतर कर रहे हो वो है वर्ड बॉल स्टॉक सो so, इस तरीके से क्रिपल का जो सही ऑपोजिट है वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर ए है कई ऐसे वर्ड्स होंगे इनमें से जो बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज के होते हैं मतलब बहुत कम है ऐसे वैसे आई ट्राई कि मैं आपको सारे फॉर्मल वर्ड्स ही दूँ बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं यानी कि ज्यादा लाइक फॉर्मली आप यूज़ नहीं कर सकते एंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बड़े रेयर होते हैं लाइक like, उनको आप बार बार नहीं देखोगे अपने सामने बट अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए राइट ऐसा कभी ऐसा हुआ कि आपको एक इनफॉर्मल सा कोई अनसीन पैसेज दे दिया उसमें कोई इनफॉर्मल सा वर्ड डाल दिया तो आप तो इसे सोचोगे ना कि ये क्या है इसीलिए कुछ वर्ड अगर आपको ऐसे लगते हैं कि ज्यादा यूज नहीं होते हैं या जब आप इनका मीनिंग देखते हो आपको रेयर या इनफॉर्मल लिखा हुआ मिल जाते हैं आरकि एक यानी बहुत पुराना वर्ड जब बहुत पहले यूज किया जाता था डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज ऑब्वियसली जो ये वर्ड्स हैं दे आर नॉट लाइक स्लैंग टाइप के सो दैट आई एम नॉट इंक्लूडिंग बट बाकी वर्ड्स Trying कि आपको पता हो क्लियर चलिए अब बात करते हैं की जहां word है, punitive, options है penal, retaliatory, vindictive, अब देखो यहां पर जब हम बात करते हैं पीनल की आपने कभी पेनाल्टी सुना है वर्ड obviously सुना होगा जब कोई फाइन लगता है या कोई पेनाल्टी लगती है ना वहीं से वर्ड पीनल वर्ड आया है पीनलाइज वर्ड भी आपने सुना होगा रही बात रिटेलिएटरी की तो रिटेलिएट करना भी आपने फॉर शॉर्ट sure सुना होगा बहुत कॉमन वर्ड है उसी से रिलेटेड है रिटेलिएटरी विंडिक्टिव uh, हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले और परक्विस्टी ऑफ या सीन फॉर द फर्स्ट टाइम सो लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग ऑफ प्यूनेटिव इसको ना प्यूनी को पनिश कप जो प्यूनी आता है बिगनिंग में उससे आप लिंक कर सकते हो सो दिस मीन्स इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट फॉर एन एग्जाम्पल नो प्यूनेटिव एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द So, जब भी कोई चीज हम बोल रहे हैं कि एक तरीके से पनिशमेंट देने के लिए है वो या पनिशमेंट देने की कोई बात चल रही है इस वर्ड में तो वो प्यूनिटिव है और यहां क्या दिया है कुछ भी नहीं लिया गया उनके अगेंस्ट सो प्यूनिटिव पनिशमेंट से रिलेटेड है नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं पीनल पीनल penal को पिनाल्टी पिनलाइज इन सबसे पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर द लीगल सिस्टम तो एक लीगल सिस्टम के अंतर्गत जो भी लोग ऑफेंड कर रहे हैं जो भी रूल्स ब्रेक कर रहे हैं लॉस के अगेंस्ट जा रहे हैं उनको जो पनिशमेंट दी जाती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पीनल नेक्स्ट वर्ड है रिटैलीएटरी ऑफ एन एक्शन कैरेक्टराइज बाय अ डिज़ायर फॉर रिवेंज यानी कि रिटेलीट करना क्या होता है जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया या आपको कुछ ऐसा बोलने जैसे आप ओफेंड हो गए अब आप उसको क्या करो ना और ही डबल स्पीड से उस पर रिएक्ट कर रहे हो एंड यू आर डूइंग समथिंग जिससे सामने वाले को परेशानी हो या बदला ले रहे हो ऐसा लगे तो हम रिटेलीट करते हैं ठीक है तो रिटालियटरी भी क्या होगा कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आपने इसलिए किया बिकॉज आपको बदला लेना था और या फिर बदला लेने की जो बात है वो अलग ही दिख रही है वेरी ऑब्वियस है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिटालियट्री नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव विच इज हैविंग और शोइंग अ स्ट्रांग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज या तो आप में है या फिर आप ऐसा शो कर रहे हो कि आपको कुछ मतलब बिल्कुल रिवेंज लेना यू हैव अ वेरी स्ट्रांग डिजायर ऑफ टेकिंग बदला दैट इज वॉट इज विंडिक्टिव नेक्स्ट वर्ड है पोक्विस्टी, विच इज अ बेनिफिट विच वन एनजॉय और इज इंटाइटल्ड टू ऑन अकाउंट ऑफ वंस जॉब और पोजिशन अगर किसी ने अपनी नौकरी में कोई बहुत अच्छा काम किया है या फिर आपने अपने प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल में या पोजीशन पर रहकर आपने कुछ अच्छा किया है एंड यू आर वर्दी ऑफ गेटिंग सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड और स्टफ लाइक दैट तो उसी को हम कहते हैं पर यानी कि अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज आपने कुछ अच्छा किया अपनी जॉब में अपनी पोजिशन पर रहकर तो उसके लिए हम बोलते हैं पर यानी कि प्यूनिटिव एक पनिशमेंट है पीनल भी एक पनिशमेंट है रिटालिएटरी में भी एक बदले की भावना से कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है और विंडिक्टिव में भी बदले की भावना से कुछ एक्शन हो रहा है बट परक्विस्टी में किसी का फायदा हो रहा है एक बेनिफिट हो रहा है सो फॉर श्योर पनिशमेंट देना और उसका ऑपोजिट रिवॉर्ड देना ही होगा तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही ऑपोजिट uh, एंटोनिम या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके से बिल्कुल उल्टा uh, मीनिंग का वर्ड है ऑफ Punitive, clear? So, इस से, punitive को punish का, से आप याद रख सकते हो पीनल uh, पीनलाइज penal, वाला वर्ड पीनाल्टी वाले वर्ड से याद रख सकते हो रिटालियटरी रिटालियट करना सबको पता है वही वर्ड है विंडिक्टिव दूसरी तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं तो अभी तक तो आई होप याद हो गया होगा और पर्क विस्टी और अच्छा है आप इसको पर्क से याद रख सकते हो तो पर्क का भी सुना है वर्ड आपने चॉकलेट वाला पर्क नहीं बोल रहे हो जब कुछ भी कैसे बोलूँ मैं जैसे अगर कोई जॉब है ठीक है कोई जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको सैलरी तो मिलती है साथ ही साथ उसके और भी फायदे हैं जैसे आपको आ, फ्री टिकट्स मिलते हैं एवरी ईयर या वेकेशन के लिए आपको फ्री स्टे वगैरह का मिलता है पूरी फैमिली के लिए या फिर आपको इंश्योरेंस देन उसके बाद आपको कोई डॉक्टर का चेकअप चेकअपअप कराना है एवरी जो है इंक्लूडेड होता है तो ये क्या होता है ना सैलरी के अलावा आपके जो फायदे हैं तो वो पर्कस होते हैं ठीक है उनको क्या बोला जाता है पर्क्स जैसे कि देर आर सर्टिन काइंड ऑफ पर्क्स ऑफ दिस जॉब जॉब की तो पर्क्स की बात ही अलग है ऐसे करके बहुत वर्ड यूज किए जाते हैं वहीं से आप को भी लिंक कर लो सो पर्क्स लोक्सटी आई होप दोनों याद रहेंगे डन ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जहां वर्ड है लिज्म अब ये जो वर्ड है ना इसमें ई जो लास्ट में लिखा है वो ड्रॉप करके भी आपको मिल सकता है वर्ड लाइक एल आई डब्ल एस ओ एम भी मिल सकती है स्पेलिंग और एल आई डब्लू एस ओ एम ई भी मिल सकती है तो दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो ऑप्शन दे आर सेल्फ लाइक पोर्टली सपल तो सपल तो आई होप आपको पता होगा ठीक है बॉडी -like, so, okay? को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड तो सपल वी ऑलरेडी नो लेट्स जस्ट रीड बाकी के वर्ड्स सो दैट आपको और मीनिंग पता चले आर रियली वेरी गुड वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स आते भी हैं ओलंपियाड में तो so, सबसे पहले बात करते हैं लिज्म की विच इज सपल एंड ग्रेसफुल सबसे पहले एक सपल पढ़ लें ताकि और क्लियर हो जाएगा बेंडिंग एंड मूविंग ईजिली एंड ग्रेसफुली फ्लेक्सीबल अगर किसी की बॉडी बड़ी थिन फ्लैक्सीबल सी होती ना बहुत डांसर्स वगैरह होते हैं तो हम बोलते हैं बड़ी फ्लेक्सीबल बॉडी है, है ना कैसे भी बेंडमेंट कर लेते हैं बहुत ही ग्रेसफुल होती है उनकी बॉडी थि प्रॉपर ऐसे ज्यादा फैट वैट नहीं होता उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है सपल और वही थिन सपल ग्रेसफुल जो है वर्ड अर्नलिज्म में यूज किया जाता है तो अगर किसी की बॉडी या कोई सम्पड़ी लुक्स वेरी नाइक परफेक्ट थिन सपल फ्लेक्सीबल तो हम उनके लिए वर्ड

नेक्स्ट वर्ड है पोटली विच मीन्स हैविंग अ स्ट बॉडी सम वॉट फैट यूज स्पेशली फॉर अ मैन अगर कोई मैन है या कोई मेल है तो बिल्कुल एक पोटली जैसे लग रहे हैं पोटली मतलब क्या होता है जैसे पूरा बनली बना देते हैं कपड़े का तो वो क्या होता है मोटू सा होता है पोटली वैसे अगर कोई पर्सन है जो बहुत ऐसी बॉडी है उनकी बहुत मोटू सी फैट टाइप की बॉडी है तो उनके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है पोटली ठीक है सो so ये सब वर्ड हमें इसलिए भी पता होने चाहिए बिकॉज अगर कभी किसी लिटरेचर में अनसीन पैसन में किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए अपियरेंस लिए अगर कुछ दे दिया और आपको समझ नहीं आ रहा वर्ड क्या है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी राइट सो so, इसीलिए हम ये सब वर्ड्स पढ़ रहे हैं इसको इस्तेमाल नहीं करना है किसी के लिए ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉन ऑफ आर मैटर नॉन ऑफ आर कंसर्न कोई कैसा है दिखने में या स्टक लाइक दैट ठीक है बट ये वर्ड कभी लिटरेचर में आ गए या ऐसे आ गए तो आपको इसलिए जनरली पता होना चाहिए सो पोर्टली मीन्स आप पोर्टली से याद रख सकते हो इफ अ मैन और अ मेल इज वेरी फैट टाइप की बॉडी है उनकी देन वी कैन गो विद दिस वर्ड नेक्स्ट है विलोई विच इज यूज फॉर अ पर्सन टॉल स्लिम एंड लिथ मतलब यहाँ पे फीमेल मेल का कोई इशू नहीं है किसी भी पर्सन के लिए अगर आपको बताना है डिस्क्रिप्शन देना है कि सामने वाला टॉल है बहुत थिन है प्रॉपर बॉडी है ठीक है तो आप यूज कर सकते हैं वर्ड विलोई फॉर दैम

फॉर्चुनेट तो आप नापलेस को अब पढ़ो होपले और अच्छे से याद रहेगा होपलेस है।, रहे है ना सुनने में तो अगर कोई पर्सन जो है वो अनफॉर्चुनेट है बहुत ही बदकिस्मत है देन वी कैन गो विद वर्ड है What is calamity, right? so, इस तरीके से क्या लिखा है कि विक्टी नेचुरल कलामिटी ऑब्वियसली सुनामीज या अर्थ आते हैं प्रॉपर्टी एंड स्टफ तो इस तरीके से देवर बींग अनफॉर्चुनेट राइट तो इसीलिए वर्ड यूज किया जा सकता है Happless.

जब बहुत ज़्यादा हम अनफ्रेंडली नॉट दैट फ्रेंडली टाइप का जो बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं वॉट हॉस्टाइल सो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई है जो बहुत ज़्यादा ऐसे ओपोजिशन टाइप की फीलिंग देता है कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब जिनसे आप थोड़ी देर बात करें यू विल फील कि द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू द पर्सन इज लाइक जिनको ज्यादा लोग पसंद नहीं आते हैं ना तो वहां वर्ड हो जाता है कि उनमें एक एक्टिव ऑपोजिशन या हॉस्टिलिटी वाला है दे आर नॉट फ्रेंडली टूवर्ड्स समन और समथिंग तो उसको हम कह देंगे एंटागोनिस्टिक नेक्स्ट है प्रोपिशियस विच इज गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस फेवरेबल यानी अगर कोई चीज़ जो है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस का चांस है इट्स वेरी फेवरेबल आपके हक में है देन वी कैन गो विद द वर्ड प्रोपिशियस ऑब्वियसली ये किसी अनफॉर्चुनेट इंसान के लिए तो नहीं यूज़ होगा नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं इन अपॉर्च्यून विच इज़ ऑकरिंग एट एन इनकन्वीनियंट और इन अप्रोप्रिएट यानी कि अगर कोई है 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 तो वो क्या है? आपके लिए एक चांस है, और वो राइट right टाइम होगा है है ना जब आप बोलते हो इन का मतलब क्या है? कि कोई चीज बिल्कुल भी सही अपॉर्चुनिटी नहीं है मे भी ऐसा लिंक कर सकते हो तो अगर कभी भी कोई चीज जो है वो बहुत गलत टाइम पे हो रही है इनकन्वीनियंट इन अप्रोप्रियट इन टाइम पे हो रही है तो उसको हम इन अपॉर्चुन कहते हैं सो इस तरीके से हैपलेस जो है वो अनफॉर्चुनेट की बात कर रहा है एंटीपथेटिक भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अवर्जन है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग एंटगोनिस्टिक भी एक ऑपोजिट वाली फीलिंग है किसी के लिए प्रोपिशियस बहुत ज्यादा फेवरेबल फॉर्च्यून टाइप की बात होगी और इम अपॉर्चून मतलब कोई बहुत गलत टाइम पे कोई चीज़ हो रही है ना अप्रोप्रिय टाइम पे हो रही है यानी एक ही वर्ड है जो अनफॉर्चुनेट का बिल्कुल ऑपोजिट की बात कर रहा है और वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर सी है इसीलिए यही एक्ट करेगा एज द ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैपलेस डन नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी 22nd क्वेश्चन की जहां वर्ड है पोलैमिक ऑप्शंस हैं हेरंग एनोडाइन स्केथिंग डायट्राइड अब यहाँ पे वर्ड जो हैं हमने इससे रिलेटेड नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने इससे पहले ठीक है तो ये सारे नए वर्ड्स हैं हमारे लिए लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग्स सो पोलैमिक का मतलब है अ स्ट्रांग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन और समथिंग और डिफेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीव और ओपिनियन देखो दो मीनिंग है इसके सबसे पहली बात अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला वर्बल मतलब कुछ कहना या फिर कुछ ऐसा लिखा जो कि एक अटैक है किसी चीज़ पे या अटैक है किसी पे तो हम उसको क्या बोल देते हैं पॉलिमिक ऑल्सो अगर आप किसी ओपिनियन या किसी बिलीव को नहीं मानते हो और आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि नहीं मेरी तरह यू नो you know, मेरी साइड uh, से तो ये बिल्कुल गलत है आई डोंट बिलीव इट तो वो भी कहलाता है पॉलिमिक यानी ले देके एक डिफेंसिव टाइप की चीज़ है regarding something that you don't like and if you don't like something you will kind of attack on someone or something. तो so, एक verbal, एक written attack करना या defense करना कि भैया मेरे को नहीं लग रही है सही चीज़ उसके लिए हम word use करते हैं polemic. For an example, the book is a polemic. अब कुछ आगे कुछ भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा बिलीफ या ओपिनियन बहुत बड़ा एक ओपिनियन या बिलीफ माना जा रहा है एंड समबड़ी इज लाइक नहीं ये गलत है इट्स टोटली रॉन्ग उसके जस्ट यू नो एक तरीके से ओपोजिट खड़े हुए हैं वो देन पर्सन कैन राइट समथिंग अगेंस्ट इट है ना तो वो हो जाएगा द बुक इज अट नेक्स्ट वर्ड है लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच अगर बहुत लंबी बहुत गुस्से वाली अग्रेसिव कोई स्पीच देता है ना तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है एनोडाइन विच इज नॉट लाइक नी टू कॉज ऑफेंस और डिसग्रीमेंट कोई चीज जैसे किसी को बुरा नहीं लगेगा या सभी अग्री करेंगे डिसअग्रीमेंट नहीं होगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनोडाइन नेक्स्ट वर्ड है स्केथिंग विच इज विदरिंगली स्कॉनफुल सीवियरली क्रिटिकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बहुत ही ज़्यादा हेटरेड वाला जिसमें आप बहुत अगेंस्ट बात रहे हो बहुत क्रिटिसाइज रहे हो तो वर्ड होता है स्केथिंग नेक्स्ट वर्ड है डाय विच इज़ अ फोर्सफुल एंड बिटर वोबल अटैक अगेंस्ट सम यानी एक बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल और एक यहाँ फिर बहुत ही ज्यादा वर्बल ठीक है अगर अटैक करें किसी के खिलाफ या किसी के लिए तब हम वर्ड यूज करते हैं डायट्राइप सॉर्ट ऑफ पॉलिमिक जैसा ही है सो so, इस तरीके से जहां आप एक तरीके से अपना एक अगेंस्ट वाला व्यू दिखा रहे हो या आप बिल्कुल भी उस चीज से स्टैंड बाय नहीं करते वो पोलमिक में भी है रैंक में भी है स्केदिंग में भी है और डायट्राइव में भी है बट एक ही वर्ड है एनोटाइम विच इज नॉट डैड ऑफेंसिव विच इज नॉट समथिंग जिस पर डिसअग्रीमेंट होगा सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एनोडाइन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा ऑफ पॉलिमिक बिकॉज पॉलिपिक में ऑर स्टैंडिंग अगेंस्ट समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वैट यू डोंट लाइक बट एनोडाइन इज समथिंग इन विच नो बडी विल डिस एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफेंसिव डन ओके ट्वेंटी थर्ड की बात करते हैं वर्ड है पेस्टर ऑप्शंस हैं बैजर अर्क चिवी एक्सीलरेट अब यहाँ पर ना वर्ड अर्क जो है बहुत अच्छा है इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई किसी को ना बहुत ऐसे परेशान कर रहा होता है और जैसे आप बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होते हो आप यही बोलते हो ना सामने वाला बड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है अनॉय कर रहा है इरिटेट कर रहा है अब इन तीनों शब्दों के लिए मतलब आपको ये तीन शब्द तो आते ही है ना तो ये तो भूलने नहीं वाले अब इन तीनों शब्दों को हटा दो और वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दो अक लाइक द पर्सन इज ट्राइंग टू अर्क मी यानी कि अनॉय मी इरीटेट मी फ्रस्टरेट मी क्लियर अर्क सम वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो कोई चीज बड़ी अगर इरीटेटिंग होती है तो हम अर्क सम बोलते हैं उसको राइट right? इसके अलावा बाकी और कोई वर्ड ये एक्जिलेट भी हमने पढ़ा हुआ है वर्ड हमने कहीं पर तो हैप्पी के बहुत सारे सीनॉलिम्स की बात की हुई है वहां हमने एक्जिलरेट पढ़ा हुआ है ठीक है चलो अब बात कर लेते हैं किसकी पेस्टर की विच मीन्स ट्रेवल और अनॉय समवान विथ फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट रिक रिक्वेस्ट और इंटरप्शन या तो आप बार बार किसी को ना रिक्वेस्ट कर रहे तो कई लोग होते हैं ना जैसे सपोज अगर मुझसे किसी को काम है ठीक है अभी उनने मुझे बोला कि देखिए चानिया मैसेसा है ठीक है आई विल बी लाइक ओके ठीक है मैं देखती हूँ इफ आई कैन हेल्प चलो दूसरी बार उन्होंने मुझे फिर रिमाइंड करा चलता है तीसरी बार फिर रिमाइंड कर चलो ठीक है याद दिला रहे हैं अब वो पीछे ही पड़े हैं दस पंद्रह दिन की आपको याद है आपको ये काम बोला था आपको बोला था आपको बोला बोला बोलो तो क्या होगा मैं अनॉय हो जाऊंगी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी है ना तो अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है कोई जो बहुत बार रिक्वेस्ट टाइप का कर, कर रहे हो तो वो भी अनॉइंग हो सकता है साथ ही साथ अगर कोई इंटरप्शन पैदा कर रहा है रुकावटें पैदा करते हुए किसी को अनॉय रहा है ट्रेवल रहा है तो भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं वॉट पेस्टर फॉर एन एग्जाम्पल दे आर फेरअप विद बींग पेस्टर्ड एंड टोल्ड वॉट टू डू कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को बार बार बताए हाँ आपको ये करना है आपको ये करना है आपको अरुण को भी पता है क्या करना है, है ना बट कई बार क्या होता है चलो ठीक है कभी अगर आप ऐसे मस्ती वस्ती में कर रहे हो दैट इज ओके बट अगर कोई जान के कर रहा है कि नहीं इनको परेशानी करना है तो बार बार आप किसी को कुछ बता रहे हो दैट इज वॉट कि इनको पेस्टर रहे हो फेडअप हो ठीक है सो इस तरीके से किसी को ट्रेवल करना अनॉय करना बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट लगातार रिक्वेस्ट या फिर बहुत ज्यादा इंटरप्शन देन वी कैन गो विद दिस वर्ड नेक्स्ट वर्ड है बैजर विच इज रिपीटेडली आज सम टू डू आप पहले बता दिया इरिटेट और अनॉय बहुत प्यारा है प्लीज मतलब ऐसी नौबत ना यूज करने की बट इफ इट इज लाइक अचुएशन जहां आपको इरिटेट फ्रस्ट्रेड अनोय का वर्ड यूज करना है गो विद वर्ड अक नेक्स्ट वर्ड है चिवी विच मीन्स टेल सम वन रिपीटेडली टू डू

ट मेंसन है सो पेस्टर का जो सही ऑपोजिट है वो फॉर्श और ऑप्शन नंबर डी है जिसका नाम है एक्सिलरेट क्लियर ओके नेक्स्ट इज द्वेशन जहां वर्ड है Overly. अब बहुत आसान है एनफोल्ड भी आप ध्यान रख सकते हो किसी चीज को आप फोल्ड कर रहे हो शायद या कवर अप कर रहे हो अन मतलब रैपिंग खोल रहे हो अगर कोई गिफ्ट जो है उसको रैप करते हैं तो बढ़िया यू नो अच्छे से सजा कर कोई देता है रेप को और उसको हम कितनी बुरी तरीके से you know, पेपर ऐसा चाक 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 देते हैं है। मतलब कितना बुरा लगता है ठीक है तो अन करना मतलब आप रैपिंग हटा रहे हो राइट right? ओवरले करना मतलब मे भी किसी चीज को आप ले कर रहे हो यानी कि रख रहे हो एंड ओवरले मतलब मे भी हो सकता है एक के ऊपर एक रख रहे हो न मतलब वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट सो लेट्स जस्ट रीड द वर्ड स्वेथ मींस रैप इन सेवरल लेयर्स ऑफ फैब्रिक सपोज अगर कोई मैंने अभी कपड़ा लिया और मैं हाथ के ऊपर बांधती जा रू बांधती जा जाऊ बांधती जा जा रही रही बांधती ये क्या कर रही हूँ मैं बहुत सारे कपड़े की लेयर्स मैंने अपने हाथ पर लगा ली ठीक है सो अगर हम किसी चीज को बहुत सारी लेयर्स से कवर अप करते हैं किसी कपड़े की लेयर से फैब्रिक से तो हम उसे कहते हैं स्वेथ फॉर एन एग्जांपल हिज हैंड्स वर स्वेथड इन बैंडेजेस उसके जो हाथ हैं उसको कवर अप लाइक लेयर अप करा हुआ था बहुत सारे फैब्रिक से या बैंडेजेस से सो so, इस तरीके से वो जो कर रहे हो ना बहुत सारी सेवरो लेयर्स लगा रहे हो उसको हम स्वेथ कहते हैं फॉर एन एग्जांपल स्वरल रैप समवन स्पेशली अ बेबी इन गारमेंट्स और क्लोथ अगर जैसे कोई छोटू सा बेबी होता है उसको हम कैसे कपड़े उसके मॉम डैड जो है पूरा कवरअप कर देते हैं ना है ना तो उसको हम क्या कहते हैं स्वैडल करना नेक्स्ट वर्ड है, Enfold. Enfold का मतलब होता है तो surround करना या 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 तो करना करना किसी चीज़ को आप ढक रहे 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 हो 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 कर 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 उसके लिए हो जाता है Next word है रिमूव द रैपिंग फ्रॉम अ पैकेज बहुत आसान है आप रैप करोगे तो ऑब्वियसली यू नो वॉट इट इज रैप मतलब डब्ल्यू ए आर वाला ठीक है एंड अनरैप कर रहे हो तो मतलब आप रैपिंग खोल रहे हो रिमूव कर रहे हो ओवरले कवर द सर्फिस ऑफ समथिंग विद अ कोटिंग अगर किसी का कोई surface है उसको आप कोट कर रहे हो किसी कोटिंग से आप कवर कर रहे हो ना फिर वो जो रियल है वो थोड़ी दिखेगा कोटिंग दिखेगी तो उसको हम कहते हैं ओवरले करना सो so, इस तरीके से स्वैथ में भी बहुत सारी लेयर है कवर ही हो रहा है ढक जाएगा ना लाइक अगर मेरे हाथ पे भी बहुत सारा फैब्रिक लगेगा तो मेरी स्किन थोड़ी दिखेगी वो कपड़ा दिखेगा राइट उसी तरीके से स्वाडल में भी आप रैप करने की बात कर रहे हैं फोल्ड में भी आप एंगलप कर रहे हैं सराउंड करो किसी चीज को किसी से में आप रैपिंग खोल रहे हो और ओवर कवरिंग समथिंग विदिंग सो इस तरीके से जो है वही सही ऑपोजिट होगा ऑफ द वर्ड सो ऑपोजिट या एंटोनेम ऑफ द क्वेश्चन 24 इज नॉन अदर देन ऑप्शन नंबर सी डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड है रैंक और सोलिसिट्यूड रिजेंटमेंट विट एंड एनिमोसिटी अब यहां पर रिजेंटमेंट इज वर्ड जो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे सॉलिसिट्यूड नहीं पढ़ा हमने पढ़ा है 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 इसमें आ गया ठीक so, resentment का मतलब है बिटर been treated unfairly अगर किसी को बहुत अनफेयर वे में ट्रीट किया गया है जैसे सपोज आपकी गलती नहीं है पर आपको बहुत गंदी तरीके से कोई इंसल्ट कर दे सबके सामने तो आपके दिमाग में नहीं वो एक आ जाएगा यू नो इट शुड नॉट कम बट वही चीज है एक यू नो कड़वाहट आ जाएगी मन में दैट इज एक बिटर फीलिंग आ जाएगी उसे हम कहते हैं रिजेंटमेंट और अगर वही बिटरनेस और रिजेंटफुलनेस बहुत लंबे समय से है लॉन्ग स्टैंडिंग है तो वर्ड यूज किया जाता है रैंकुआ फॉर एन एग्जाम्पल देर वॉज रैंकुआ इन हिज वॉइस उसकी आवाज में वो बिटरनेस सुनाई दे रही थी यहाँ समझ आ रही थी कि यस वो पर्सन जो है उसको बहुत टाइम से जो एक कड़वाहट है किसी के लिए दैट वी कुड फील और अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज वॉइस नेक्स्ट वर्ड है सोलिसिट्यूड विच मींस केयर और कंसर्न फॉर समवन और समथिंग किसी के लिए या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा केयर करना या कंसर्न होना उसके लिए वर्ड होता है सोलिसिट्यूड है जो हम पढ़ चुके हैं. यानी कि एक बहुत ही um, कड़वाहट से भरा हुआ बिटर अगर क्रिटिसाइज करते हैं किसी को दैट इज वॉट इज विट नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिरी स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी स्ट्रॉन्ग अनफ्रेंडलीनेस ऐसा कुछ ऑब्वियसली जहां पर आप यू नो यू आर नॉट फीलिंग दैट बॉन्ड फ्रेंड वाला सो इस तरीके से रैंक का बिटरनेस की बात कर रहा है बहुत टाइम से जो लंबे समय से है सॉलिट्यूड में आप केयर और कंसर्न की बात करो रिजेंटमेंट इज ऑल्सो बटर इन डिग्नेशियन बिट्रिय ऑल्सो बेटर क्रिटिसिजम एंड एनिमोसिटी स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी बाकी सब यू आर नॉट लाइक बहुत ऐसा कोई प्यार मोहब्बत वाला या कोई ऐसे फ्रेंडली वाला बॉन्ड नहीं है है ना बट एक चीज है जिसमें आप केयर कर रहे हो कंसर्न कर रहे हो दैट इज इज इसीलिए रैंको का जो ऑपोजिट है या एंटोनिम है वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर ए है सोलिसिट्यूट नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन की जहां वर्ड है रेस्प्लेडेंट ऑप्शन है डार्जलिंग इम्पोजिंग सॉम्बरे अब यहां पर डार्जलिंग um, जरूर आपने सुना होगा डार्जलिंग व्हाइट है ना तो मतलब जो बहुत चमकदार होता है उसी तरीके से एक और मीनिंग है जो हम पढ़ने वाले हैं अदर देन दैट आई डोंट थिंक हमने कोई वर्ड इसके पहले डिस्कस किया है सो लेट्स जस्ट सी रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव थ्रू बीग रिचली कलरफुल यानी कि कोई चीज़ ना बहुत ही ज्यादा ऐसे अट्रैक्टिव uh, है बहुत अपीलिंग है बहुत इंप्रेसिव है बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा रिच कलर्स से भरा हुआ है या फिर आ, ऐसे बिल्कुल ऐसे रिच टाइप की फीलिंग आ रही है उस चीज़ से इसीलिए होता अट्रैक्टिव लग रहा है तब हम उसे कहते हैं रेस्पलेंडेंट फॉर एन एग्जांपल शी लुक्ड रेस्पलेंडेंट इन सिल्क ड्रेस भाई उसने जो सिल्क ड्रेस पहनी थी शी लुक्ड लाइक लग्जूरियसली एक आ, जो बहुत ही सुंदर होता है या अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव नेक्स्ट वर्ड है दार्जिलिंग एक्सट्रीमली इंप्रेसिव ब्यूटिफुल और स्किलफुल तो एक तो दार्जिलिंग की बात हम कर चुके हैं दार्जिलिंग वाइट एक कोई ब्रांड की लाइन भी है है ना और दार्जिलिंग वाइट टीथ और इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है दार्जिलिंग का दूसरा मीनिंग विच इज वेरी इंप्रेसिव ठीक है तो कोई चीज बहुत इंप्रेसिव हो ब्यूटिफुल हो या अगर कुछ स्किलफुल भी होता है ना तब भी हम उसको दार्जिलिंग कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है इम्पोजिंग ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है बिकॉज इट्स वेरी ग्रैंड इट्स वेरी लग्जूरियस टाइप लैवेज दैन वी कैन गो विद द वर्ड इम्पोजिंग नेक्स्ट वर्ड है deep seriousness and sadness यानी yani, अगर कोई चीज ना बहुत dark या dull है कलर में आ, या कोई चीज जिसमें बहुत ज्यादा ऐसी seriousness दिख रही है बहुत sadness दिख रही है कई कबार ऐसा होता है ना अगर आप किसी घर चले जाओ और अगर उन्होंने बहुत ही ऐसा paint करवा रखा है walls पर जो बहुत negative type का है बहुत sad वाली vibe दे रहा है तो उसको भी आप सॉम्बरे कहोगे right? नेक्स्ट वर्ड है समशुअस विच इज स्पलेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग कोई चीज बहुत ही बेहतरीन है बहुत ऐसे एक्सपेंसिव टाइप की अट्रैक्टिव चीज़ दिख रही है देन वी गो विद द वर्ड सम्शुअ जैसे यहाँ बोला था ना कि रिचली कलरफुल वैसे यहाँ पे समशुअस है तो so, इस तरीके से रेस्पलेंडेड डार्जलिंग इम्पोजिंग समल आर टॉकउटिंग अट्रैक्टिव इंप्रेसिव बट सोमरे है यह बात कर रहा है कुछ जो डल है, है ना तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा सही ऑपोजिट या एंटेम होगा ऑफ रेस्पलेंडेड डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी सेवेंथ की जहां वर्ड है परफोर्स देन यू हैव इन एविटेबली इन एक्सोरेबल फ्यूटाइल इन कमेंट अब देखो सबसे पहली बात तो इनएविटेबली एविटेबल क्या होता है जो तो चीज़ ऑब्वियस दिख रही होती है इनएविटेबल उसका ऑपोजिट हो जाएगा इसके अलावा फ्यूटाइल वर्ड भी शायद आपने सुना होगा कोई चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं रहता वेस्ट ठीक है उसको हम फ्यूटाइल कहते हैं तो लेट्स जस्ट रीड द वर्ड पर फोर्स यूज टू एक्सप्रेस नेसेसरी और इनएविटेबिलिटी दैट इज एज इज सर्टेन टू हैपन अनबली यानी कोई चीज़ जो है वो एविटेबल है यानी कि वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ना कि इट्स यू you नो know, बहुत ऑब्वियस बट वेन यू टॉक अबाउट समथिंग विच इज इनिटेबल इसका मतलब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो इट्स समथिंग इज़ इट सो अगर कोई भी चीज है जो नेसेसिटी की बात कर रहा है जो अन अवॉइडेबली की बात कर रहा है यानी कि आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते देन वी गो विद द वर्ड परफोर्स फॉर एन एग्जाम्पल द स्टोरी मस्ट परफोर्स बी ट्रू यानी कि ये जो स्टोरी है वो फॉर श्योर अन अवॉइडेबलीबली ट्रू है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं इनएविटेबली जो हमने पढ़ लिया इनएक्जोरेबल इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट अगर किसी चीज को आप रोक नहीं सकते या प्रिवेंट नहीं कर सकते हो उसको हम कहते हैं इनएक्जोरेबल जैस इज अनस्टॉपेबल नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन यूजफुल रिजल्ट पॉइंटलेस मतलब बेकार है कोई मतलब का नहीं है अगर कोई चीज है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता ठीक है तो हम बोलते हैं ना ये बेकार है तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड फ्यूटाइल इन इंग्लिश नेक्स्ट वर्ड है इन नेसेसरी फॉर समन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के लिए अगर एक ड्यूटी की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कोई चीज ज़रूरी है देन वी गो विद द वर्ड इन कम्पेन सो इस तरीके से परफोर्स अगर नेसेसिटी या इनएविटेबिलिटी को आप समझा रहे हो दैट इज वॉट इज परफोज इनएविटेबली अगर कोई चीज बहुत सर्टेन है टू हैपन इनएक्बल कोई चीज जिसको आप रोक नहीं सकते प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्यूटाइल अगर कोई चीज जो है वो बहुत यूजफुल रिजल्ट नहीं दे सकती पॉइंटलेस है इनकम में जो बहुत नेसेसरी है सो so ऑब्वियसली क्योंकि बाकी ऑप्शन में दे आर द थिंग्स जो अनस्टॉपेबल है आप प्रिवेंट नहीं कर सकते तो दे आर समवेयर नेसेसरी बट फ्यूटाइल इज समथिंग जो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है पॉइंटलेस है इसीलिए यही सही ऑपोजिट होगा ऑफ द वर्ड क्लियर ओके वर्ड है रिनाइसेंस स देखो अब आपको लगेगा कि मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन में क्या ही अंतर है तो देखो जो पहला वर्ड है ना रेनिसेंस वो यूज होता है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली और जो दूसरी है ठीक है बट सपोज अगर आ जाएंगे देखो रिवाइवल तो नाम भी सुना होगा एक टैबलेट का भी नाम होता है ठीक है तो रिवाइव करता है वो यानी वापस से एनर्जी दी स्ट्रेंथ रिजुबिनेशन का भी मतलब ऐसा ही कुछ है अगेन कंडीशंस लाइक हम बात कर लेते हैं Renaissance की and की. So इस तरीके से से यानी वापस एक किसी चीज में इंटरेस्ट वापस आ जाना. लाइक अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड थे बट नाउ धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम हो गया ना लाइक नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड um, या आपको कुछ मतलब नहीं है बट नाउ अगेन वो इंटरेस्ट अगर डेवलप हो रहा है तो वो चीज क्या हो रही है रिवाइव हो रही है रीन्यूल हो रहा है दट इज वॉट इज रेनेसेंस फॉर एन एग्जाम्पल पॉपुलर आर्ट इज एक्सपीरियंसिंग रेनेसेंस भाई जो पॉपुलर आर्ट है उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे जा रहा था बट नाउ अगेन एक इंटरेस्ट उसमें वापस आ रहा है नेक्स्ट वर्ड है अगेन रेनेसेंस द रिवाइवल ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डोमिन अगर कोई चीज जो है वो बहुत डॉमिंट हो गई इनएक्टिव हो गई थी और अगर उसका वापस से कोई चीज वो स्टार्ट हो रही है या उसका रिवाइवल हो रहा है ना तो उसको हम कहते हैं रहने से नहीं? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही देन नेक्स्ट वर्ड है डाइल विच इज द दोसेस ऑफ फॉलोइंग इन टू डी के और बींग इन डिस ऐसी कंडीशन जो कि आप यू you नो know, वो जो चीज है वो डीके होती जा रही है खराब होती जा रही है सड़ती जा रही है या फिर एक तरीके से हो रहा है, it's not getting repaired, रहा है is is, है है इट्स नॉट गेटिंग खराब होता जा इज इज नेक्स्ट वर्ड रिजुविनेशन विच इज द एक्शन प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग यानी अगर किसी चीज में एक नया वापस से आप एनर्जी ला दे रहे हो एक वापस से वो बात आ जा रही है, है ना तो रिन्यू हो रहा है उसके लिए वर्ड है रीजुविनेशन नेक्स्ट वर्ड है

नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड है डूबियस वेवरिंग इेज एक्सप्लिसिट अब यहाँ पर जब हम बात करें ना वर्ड डूबियस की सो इट्स नॉट लाइक डूबने की बात हो रही है समथिंग जो कि यू नो डाउट की या uh, you know, कन्फ्यूजन की, की बात कर रहा है बाकी वेवरिंग वर्ड भी हम एक बार पढ़ चुके हैं लाइक like, वेवर करना दो चीजों के बीच में यू आर नॉट श्योर आप इधर से उधर जा रहे हो ओपिनियंस के बीच में एंड इ रेजल्यूट में रेजोल्यूट पड़ चुके हो किसी चीज़ पे बड़े फर्म हो आप श्योर हो कि यही करना है और इनरेजोल्यूट में यू आर नॉट श्योर अबाउट इट ठीक है तो वो इेजोल्यूट हो जाता है नेक्स्ट है एक्सप्रेसिड सो लेट्स जस्ट रीड दी वर्ड्स सो डूबियस का मतलब है हेजिटेटिंग और डाउटिंग अगर आप किसी चीज़ में हिचकिचा रहे हो हेजिटेट कर रहे हो या आपको डाउट है यू आर नॉट श्योर ऑफ इट देन वर्ड यूज कर सकते हो डूबियस फॉर एन एग्जाम्पल आई रिमेन डूबियस अबाउट हर मोटिव मुझे हमेशा उसका क्या मोटिव है समझ नहीं आता ऑलवेज आई एम कंफ्यूज्ड With what her motives are. Next word है वैसीटिंग wavering between different opinions or actions, यानी इ रेजल्यूट होना यानी अगर आप ना वेवर कर रहे हो यानी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप जम्प कर रहे हो कभी एक डिसीजन पे, कभी दूसरे डिसीजन पे कि चलो ये ले लेता हूँ ओपिनियन या ये वाला डिसीजन ले लेता हूँ you're not श्योर अबाउट इट तो confused इज द वर्ड फॉर वेसिलेटिंग

बहुत क्लियर है कोई भी कंफ्यूजन नहीं है देर इज नो रूम लेफ्ट फॉर एनी कंफ्यूजन उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्सप्लिसिट तो इससे पहले हम ये देखें कि आंसर क्या है एक और चीज है जो आप सीख रहे हो अगर आपको लगता है कि अगर जैसे किसी ने बोला आ, uh, कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है एंड देन द पर्सन आस्ट कि भाई कोई डाउट है क्या या एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट तो इन सौ से सर सब कुछ क्लियर है इसमें सब कुछ क्लियर है यू कैन से डेफिनेटली देर इज नो रूम लेफ्ट फॉर अ डाउट यानी कि बिल्कुल कोई भी जगह नहीं बची कि हम डाउट करें किसी बात पर ठीक है तो ये एक और नया तरीका अच्छा तरीका है

जब सब कुछ काम वाम हो गया फालतू टाइम जो बचता है ना लीजर टाइम उसमें आप क्या करते हो दो एक्टिविटीजर एक्टिविटीज है वो टाइम जो है वो लीजर टाइम है सो लीवे मीन द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल यानी जितना भी आपके पास आजादी है फ्रीडम है ताकि आप जो करना चाहें जो एक्शन लेना चाहें वो ले पाएं उसे हम कहते हैं लीवे फॉर एन एग्जाम्पल हाउ मच लीवे पेरेंट्स गिव दिल्ड्रेन लीवे का मतलब क्या है फ्रीडम है ना तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स कितना फ्रीडम दे लाइक हाउ मच फ्रीडम गिव टू चिल्ड्रन तो इसीलिए वर्ड जो है वो लीवे यूज किया गया नेक्स्ट वर्ड है ओटाकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सेल्फ फिशियंसी ओटाकी का मतलब होता है अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं ठीक है और आप खुद ही में बहुत सक्षम है दैट इज वॉट इज ओटाकी यानी कि आप फ्री हो नेक्स्ट वर्ड है लीजर टाइम वेन वन इज नॉट वर्किंग और ऑक्युपाइड फ्री टाइम यानी जो फ्री टाइम होता है ना उसको हम कहते हैं लीजर टाइम ये बस इसको ऐसे याद रख लो कॉन्स्टेंट लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक रुकावट एक लिमिट ठीक है आप उससे आगे कुछ नहीं कर सकते यानी फ्रीडम नहीं है आपके पास कुछ लिमिटेशन है नेक्स्ट है लैक्सिटी लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कुछ भी केयर नहीं है यानी कि यू आर फ्री बर्ड उसको हम कहते हैं लैक्सिटी सो so, इस तरीके से लीवे और टाकी इन चारों में ही कहीं पर भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है या फ्रीडम का लैक होना नहीं है इसीलिए सिर्फ वर्ड कॉन्स्ट्रेंट है जहां पर लिमिट्स की बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑपोजिट होगा ऑफ द क्वेश्चन लीवे डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी वन क्वेश्चन की जहां वर्ड है सकॉ देन यू हैव इम पेडीमेंट मिनिस्ट्रेशन अबेट एड एड वर्ड तो जरूर पता होगा आपको है ना जैसे फर्स्ट एड हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड बॉक्स होता है तो so, जो पहली हेल्प होती है उसको हम कह रहे होते हैं एड है ना सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सक सो दिस मीन्स असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस अगर कोई बहुत बुरी कंडीशन में है या बहुत हार्डशिप्स को फेस कर रहा है या बहुत डिस्ट्रेस्ड है और उस समय अगर आप किसी को असिस्टेंस दे रहे हो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो वर्ड सकॉ जो है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल दे गिव सकॉ टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर भाई जो भी युद्ध या वॉर के विक्टिम्स हैं उनको एक सपोर्ट दे रहा है एक असिस्टेंस दिया जा रहा है इन द टाइम्स ऑफ हार्डशिप हार्डशिपली वॉर इज द टाइम ऑफ हार्डशिप सो इसलिए वर्ड यूज कर लिया नेक्स्ट वर्ड है हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग

किस चीज के लिए गलत काम करने के लिए तो अगर कोई किसी को एनकरेज करता है सपोर्ट करता है असिस्टेंस दे रहा है दैट यू शुड डू अ क्राइम उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अबेट तो सपोर्ट तो है बट नेगेटिव चीज के लिए गलत चीज के लिए नेक्स्ट है एड हेल्प और सपोर्ट और समथिंग इन द अचीवमेंट ऑफ समथिंग तो अगर किसी चीज को अगर अचीव करना है और उसके लिए अगर आप किसी की मदद कर रहे हो उसे हम कहते हैं क्या एड ठीक है सो so इस तरीके से सखो देन मिनिस्ट्रेशन अबेट एंड एड हर किसी में एक सपोर्ट ही है वो सही चीज के लिए कि गलत चीज के लिए वो हमारा मैटर नहीं है इस वक्त तो सपोर्ट जिसमें नहीं है वो क्या है ऑब्वियसली इम्पेरिमेंट यहाँ तो एक ऑब्स्टिकल है एक हिंड्रेंस है सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑपोजिट होगा ऑफ द वर्ल्ड सकॉ डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी सेकेंड विच इज सुजॉन ऑप्शन है बाइड डिपार्ट लॉज स्टॉप ओवर सो जॉन वर्ड जो है ना बहुत बहुत यूज होता है लाइक स्टोरीज़ वगैरह में लिटरेचर में तो ये वर्ड जरूर हमको पता होना चाहिए नेक्स्ट हमें डिपार्ट ज़रूर पता है जैसे हमारा डिपार्चर टाइम जब लिखा होता है ट्रेन टिकट में इसका मतलब ट्रेन कब वहाँ से जाएगी यानी अगर आप पॉइंट ए से चढ़ रहे हो ट्रेन में तो ए पॉइंट को छोड़कर ट्रेन जो है कब निकलेगी तो उसे हम डिपार्ट करना कहते हैं नेक्स्ट वर्ड लॉज लॉजिंग वर्ड जरूर आपने सुना होगा रहने के लिए कोई स्टे करने के लिए कोई जगह इसके अलावा स्टॉप ओवर कहीं पे आप रुक रहे हो राइट सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सुजॉन विच मींस अ टेम्पररी स्टे कहीं पे सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकना जैसे अगर आप किसी वेकेशन पे गए ठीक है तो वहां पे कोई होटल बुक करोगे कोई यू um, नो you know, जहां पे गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं उनको बुक करोगे ना तो वहां पे जिंदगी भर के लिए तो रुक नहीं जाओगे सिर्फ जब तक वेकेशन है तभी तक के लिए स्टे करोगे तो वहां क्या है टेम्प्रेरी स्टे है सो तो उसके लिए वर्ड हो जाता है सुजॉन फॉर एन एग्जाम्पल वी हैड बीन प्लानिंग दिस लिटिल सुजॉन फॉर सेवरल हम जो है ये थोड़े समय के लिए जो टेम्प्रेरी स्टे है थोड़ी देर के लिए जो रुकना है उसको बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं बाइड वर्ड है रिमेन और स्टे समवेयर कहीं पे रुक जाना या कहीं पर रुकना उसे कहते हैं हम बाइड डिपार्ट मतलब चले जाना है ना यू लीव अ प्लेस देन लॉज इज रेंट अकोमोडेशन इन अनादर पर्सन हाउस किसी और के घर में अगर आप अकोमोडेशन के लिए रेंट जरिए ले रहे हो तो उसको हम कहते हैं लॉज एंड स्टॉप ओवर क्या है अगर आपकी एक जर्नी चल रही है सफर चल रहा है और आप एक ब्रेक ले रहे हो तो आप कहीं पर रुकोगे दैट इज वॉट इज स्टॉप ओवर सो इस तरीके से सभी में कहीं ना कहीं रुकने की बात हो रही है बस वर्ड डिपार्ट है जहां वापस जाने की बात हो रही है लीव की बात हो रही है इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही क्या हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ सुजॉन साथ ही साथ एक और वर्ड होता है गो बड़ा आसान वर्ड है जाना इसको भी दे देते हैं एज एन एंटोनिम सो अगर आपको पता रहेगा सुजॉन का मतलब क्या है तो आप ये भी बहुत आसानी से फिर टिक कर सकते हो डन ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी थर्ड क्वेश्चन की जहां वर्ड है मॉरिस देन यू हैव अब यहां पर सारे शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पता है ना मतलब हमने पढ़े नहीं है लेट्स रीड द मीनिंग ये भी अच्छे वर्ड्स हैं लाइक आप यूज कर सकते हो और अनसीन पैसेजेस वगैरह में देखने को मिलते हैं सो मॉरस मीन्स अ कॉम्प्लीकेटेड एंड डेंजरस सिचुएशन दैट आर स्पेशली डिफिकल्ट टू एस्केप फ्राम अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत कॉम्प्लीकेटड बहुत डिफिकल्ट है और अगर उसमें कोई फंस गया तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप फ्राम इट तब हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉरस फॉर एन एग्जाम्पल द मॉरस ऑफ द प्रोजेक्ट इज डीलिंग द होल प्रोसेस भाई जो प्रोजेक्ट की डिफिकल्टी है कॉम्प्लीकेशन हैं जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं उस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो डीले हो रहा है नेक्स्ट वर्ड है कॉमिस्ट विच इज अ कंफ्यूज और नॉइजी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जब बहुत कंफ्यूजन बहुत शोर शराबा है तब तो वर्ड यूज किया जाता है कॉमिस्ट नेक्स्ट वर्ड है क्वैग माया अ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन या तो कोई सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है तो वर्ड यूज़ किया जाता है क्वैग माया नेक्स्ट वर्ड है इम अ सिचुएशन दैट इज कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजिंग और एम्बेरसिंग स्पेशली अ पोलिटिकल और पब्लिक वन अगर कोई पोलिटिकल रीजन की वजह से या कोई पब्लिक कोई सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कन्फ्यूजन है बहुत एम्बेरसिंग है शर्मनाक है देन वी गो विद वर्ड इन ब्रॉगलियो नेक्स्ट वर्ड है lucid, written, अगर कोई कह रहे हो या कोई चीज लिख रहे हो और बहुत साफ साफ आप समझ सकते हैं इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड तब वर्ड यूज किया जाता है ल्यूसिड सो so, इस तरीके से कॉम्प्लीकेटेड है मॉरिस कॉमिस क्वाग मायर ब्रॉगलियो बट ल्यूसिड एवरी थिंग इज क्लियर देर इज नो कंफ्यूजन इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लीकेटेड सो इस तरीके से आंसर जो है वो मॉरिस का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ल्यूसिड डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी फोर्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड है पगनाशियस ऑप्शन है बेलीजरेंट कॉन वीवाइल

कि वो कभी भी आर्ग्यू कर सकते हैं कभी भी फाइट कर सकते हैं सपोज अगर एक ग्रुप है डिस्कशन चल रहा है चल रहा है एक कोई ना कोई जरूर होता है जिसको ना ऐसे अपना ओपिनियन ढंग से रखना नहीं आता बल्कि वो लड़ने वाली भावना से रखते हैं अपना ओपिनियन है ना इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता है आर्ग्यूमेंट हो जाता है फाइट हो जाती है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पिग्नेशियस फॉर एन एग्जाम्पल समीर पग्नैशियस बिहेवियर कॉजेज हिम टू हैव फ्यू फ्रेंड भाई समीर जो है उसका ऐसा बिहेवियर है बहुत ईगर रहता है टू तो आर्ग्यू एंड टू तो फाइट और इस वजह से उसके बहुत ही कम दोस्त हैं ऑब्वियसली ऐसे बिहेवियर होगा तो कोई बहुत ही कम होगा तो फ्रेंडशिप करेगा राइट सो so, पग्नाशियस नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वर्ड है बेलीजरेंट अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव अगर कोई पर्सन बहुत ही अनफ्रेंडली है बहुत गुस्से वाला है अग्रेसिव है उसको ज्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद हमेशा गुस्से गुस्से में रहता है देन वी गो विद द वर्ड बेलीजरेंट नेक्स्ट वर्ड है कॉन बी वायर है और कैरेक्टर यानी कि बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी जो रहते हैं या बहुत हैप्पी एटमोसफेयर है फ्रेंडली एटमोसफेयर है या कोई बहुत हैप्पी और फ्रेंडली है देन वी कैन गो विद द वर्ड कॉन वी वायर नेक्स्ट वर्ड है ईगर टू फाइट्यू अगर आप बहुत रेडी रहते हो ईगर रहते हो लड़ने के लिए आर्ग्यू करने के लिए देन द वर्ड इज का मतलब है लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट यानी कि बहुत यू नो द पर्सन इज लाइकली अब वो आर्ग्यूमेंट यू नो कॉज कर सकते हैं थोड़ा um, discussion या थोड़ा ऐसे डिस्कशन या थोड़ा डिबेट कर सकते हैं सो so ऑब्वियसली एक फाइट हो सकती है सो so इस तरीके से पगनाशियस देन बेलीजरेंट देन combative, देन कंटेंशियस सभी में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है बट एक ऑप्शन है जो कि है कॉन uh, which विच इज वेरी फ्रेंडली एंड नाइस तो इसीलिए यही ऑप्शन होगा जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा ऑफ पग्नाशियस नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड है डिवोर डिवोर भी बहुत यूज किया जाता है इवन सारे वर्ड जो है ना ये वाले जो क्वेश्चन के ये फॉर श्योर sure आपको कभी ना कभी किसी ना किसी स्टोरी में जरूर दिख जाएंगे एंड यू आर इन नाइन्थ स्टैंडर्ड तो अगर आप टेंथ में भी पढ़ोगे लाइक like, uh, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं अगर आप टेंथ का जब लिटरेचर पढ़ोगे द वर्ड डिवोर इज यूज देयर ऑल्सो एंड इट्स अलाउंड आई गेस एक कोई स्टोरी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उसमें आप पढ़ने वाले हैं ओके सो सबसे पहली बात है डिवोर फिर है निबल फिर है गॉब फिर है इन गर्गी गेट एंड Then you have gobble. Now let's just see the meanings. सबसे पहली बात है divorce. इसका मतलब होता है अगर कुछ लोग होते ना बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खा लेते हैं चीज़ें एक uh, सपोज अगर आपको यू you नो know, बहुत टाइम से जैसे अलाउड नहीं आपके घर में आपको पिज्ज़ा बर्गर खाना बट अराउंड एक डेढ़ महीने बाद आपके घर में बर्गर या पिज्जा आते हैं जिसके लिए आप फैन हो डाय हार्ट फैन हो जैसे आएगा कैसे जल्दी फटाफट फटाफट बिल्कुल ग्रीडी वे में खाओगे है ना उसे कहते हैं डिवोर करना सो टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री आप बहुत भूखे हो आपको बहुत भूख लग रही है और इसीलिए आप कोई चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा हंग्री थे तो उसे कहते हैं डिवोर करना नेक्स्ट इसका sentence देखते हैं। do not that burger in one bite. भाई मुझे बर्गर आएगा उसको एक ही बार मत पूरा खा जाना। यानी कि ऐसे खाना। so do not it. Next word है स्मॉल बाइट्स अगर आप किसी चीज को बहुत छोटे छोटे बाइट्स लेके खाते हो मतलब बहुत धीरे से खाओगे एक एक बाइट करके है ना एकदम से नहीं पूरा खा जाओगे तब वर्ड होता है निबल गॉब मीन्स ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रीडिली अगर बहुत लालची तरीके से जल्दी 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 बहुत सारा खाना खा लेना उसे हम कहते हैं गॉब नेक्स्ट वर्ड है इन गर्गीटेट विच मीन्स स्वेलो समथिंग ग्रीडिली अगर किसी चीज को आप बहुत जल्दी जल्दी निकल लेते हो लाइक यू स्वेलो वट बहुत जल्दी जल्दी देन दैट इज वॉट इज इन गर्गीटेट देन वर्ड है गॉबल विच इज़ टू इट क्विकली एंड नॉइजली अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी बहुत आवाजें करके खाता है वेरी इरीटेटिंग उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गॉबल यानी बहुत जल्दी 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 खाना बहुत ग्रीडी वे में दैट इज डिवोर गॉब इन गर्गीटेट एंड गॉबल बाकी धीरे धीरे एक एक करके बाइट कर लेना है ना आराम से खाना दैट इज वॉट इज निबल सो इसीलिए डिवोर का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज से दो वर्ड ऑलरेडी आपको पता है राइट so इस तरीके से पार्ट एक का मतलब आप पार्ट टेक ऐसे पढ़ सकते हो इसको ठीक है दे दो तो पार्ट टेक यानी टेक पार्ट यानी किसी चीज में

शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक इन द फेस्टि फेस्टिविटीज तो भाई जो भी फेस्टिवल टाइम था जो भी यू नो सेब्रेशन हो रहा था उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके उसको बहुत अच्छा लगा नेक्स्ट वर्ड है अबेट एनकरेज और असिस्ट सम वन टू डू समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम तो जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एड अबेट ऐसी बात की थी हमने सो so, अगर आप किसी को एनकरेज करो असिस्ट करो कि भाई कुछ गलत करें वो क्राइम करे तो सपोर्ट करना टू डू समथिंग रॉन्ग इज़ वॉट इज अबेट नेक्स्ट है सकॉ जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टू ऑफर हेल्प टू समबड़ी हु इज सफरिंग और इज इन ट्रबल तो अगर कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहा है या बहुत ज्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन में फंस गया है और अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो उनको हेल्प ऑफर कर रहे हो दैट इज वॉट इज सकॉ नेक्स्ट है शन टू अवॉइड समबड़ी और समथिंग टू कीप अवे फ्रॉम समबड़ी और समथिंग या तो किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो या किसी को अवॉइड कर रहे हो या फिर किसी चीज से दूर रह रहे हो या किसी से दूर रह रहे हो उसे कहते हैं शन करना

Deliberately mischievous or malicious destruction or damage of. प्रॉपर्टी जान बूझ के बहुत ही ज्यादा गलत नो you know, धारणा के साथ या बहुत मस्ती घोर होना जिसकी वजह से आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी चीज को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो डैमेज कर रहे हो दैट इज व्हाट इज वेंडालिज्म फॉर एन एग्जांपल वेंडालिज्म टू बी अ रेयर ऑक्रिंस एयर कई कबार होता है ना लोग आते हैं झुंड में सारी चीजें पूरी तोड़ फोड़ करके पूरा डैमेज करके चले जाते हैं उनको पता नहीं क्या मजा आता है तो एक तरीके से वो जो है ना मेलिशियस डिस्ट्रक्शन होता है जहां पर खुद के खुशी के लिए या कुछ भी करके यूजर्स डिस्ट्रैक्ट डेमेज एवरीबडीज प्रॉपर्टी तो वहां पर वर्ड जाता है इट वॉज अ वेरी रेयर थिंग किसी भी जगह की बात हो रही है डी फेस विच इज टू स्पॉइल दुक्स बाई राइटिंग ऑन और मार्किंग इट्स सरफेस यानी एक होता है फेस डी फेस मतलब आप क्या कर रहे हो ना खराब करो उसको तो आप कभी भी कोई भी फेस को या जिस भी तरीके से कोई चीज दिख रही है उसको स्पॉइल कर स्पॉयल करें आप उस पर कुछ लिख दे रहे हो या कुछ भी मार्क कर दे रहे हो ताकि वो खराब हो जाए अपियरेंस में नेक्स्ट है रैकिंग टू डिस्ट्रॉय और बैडली डैमेज समथिंग किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना या बहुत बुरी तरीके से खराब कर देना उसे हम कहते हैं रैकिंग नेक्स्ट वर्ड है सैलवेज टू मैनेज टू रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम बींग लॉस्ट और डैमेज टू रेस्क्यू समथिंग और situation फ्रॉम डिजास्टर यानी अगर आप किसी चीज को यू you नो know, खोने से बचा रहे हो या डैमेज करने से बचा ले रहे हो या आप कोई चीज जो है उसको डिजास्टर से सेव कर ले रहे हो यानी ले दे के आप किसी चीज को बचा रहे हो उसे हम कहते हैं सैलवेज करना नेक्स्ट वर्ड है स्मैश टू ब्रेक समथिंग ऑर टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजिली इन टू मेनी पीसेज फॉर एक्साम्पल कोई चीज है और आई हैव जस्ट स्मैश्ड ऑन इट क्या होगा वो चीजें जो, जो है जोर से एकदम से आवाज भी आएगी बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी सो so, किसी चीज को जो है ब्रेक कर रहे हो वायलेंटली गुस्से में आके उसे हम कहते हैं स्मैश करना सो so, इस तरीके से विंडालिज्म में भी एक डिस्ट्रक्शन डैमेज हो रहा है डी फेज में भी आप डैमेज कर रहे हो स्पॉइल कर रहे हो भली फेस को रैकिंग में भी आप बैडली किसी चीज को डैमेज कर रहे हैं एंड सेम गोस विद स्मैश बट वर्ड सैलवेज में यू आर ट्राइंग टू सेव इट है ना आप उसको बचा रहे हो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो है वो बिल्कुल ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चनिज्म नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी एट क्वेश्चन की जहां वर्ड है कॉगनेटिव ऑप्शन है रैशनल इन कॉम्प्रीहेंशन एस्ट्यूट आई होप रैशनल हम पढ़ चुके हैं आपको याद हो कॉम्प्रीहेंशन भी हम पढ़ चुके हैं तो इन कॉम्प्रीहेंशन याद रहेगा एस्टिट्यूट भी हमने पढ़ा है और अगर आपको ये सारे वर्ड्स याद हैं बहुत अच्छी बात है आप अच्छे से प्रिपरेशन करो अदरवाइज कुछ कमी है रिविजन में सो प्लीज पुल अप योर सॉक्स क्लियर सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव की हमने कॉग्निजेंस की भी बात की हुई है उसी से मिलता जुलता है सो कनेक्टेड विथ थिंकिंग और कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस यानी yani, अगर किसी चीज में आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो अपने मेंटल पावर को यूज कर रहे हो या बहुत सोच रहे हो उसी चीज पे समथिंग विच इज कनेक्टेड विथ सोच विचार इज नोन एज कॉग्नेटिव फॉर एन एग्जाम्पल एज किड्स ग्रो ओल्ड द कॉग्नेटिव प्रोसेस इज बिकम शार्प जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं ना उनकी जो कॉग्नेटिव प्रोसेस है उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या होता जाता है शार्प होता जाता है और बेहतर होता जाता है नेक्स्ट वर्ड है रैशनल रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल ठीक है सो बेस्ड ऑन रीजन सेंसिबल और लॉजिकल जिसका एक रीजन होता है वो चीज लॉजिकल होती है आप उसको प्रूव कर सकते हैं ऐलना इज नॉट समथिंग रैशनल सो इफ समथिंग इज सेंसिबल लॉजिकल जिसका एक आंसर है दैट इज वॉट इज क्या होता है uh, the ability to understand it, में आप सारी समझते फिर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आता है तरीके से की कमी होना, क्या होगा अंडरस्टैंडिंग की कमी होना उसे कह रहे हैं इन कॉम्प्रीहेंशन नेक्स्ट है एस्टूड वेरी क्लेवर गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशंस अगर कोई इंसान बहुत चालाक होता है किस टर्म्स में कि वो लोगों को बहुत अच्छे से जज कर लेता है या सिचुएशंस को बहुत अच्छे से जज कर लेता है उसके लिए वर्ड आता है एस्टिट्यूड नेक्स्ट वर्ड है रिग्रिस डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल अगर कोई चीज को बहुत ध्यान से किया जाता है हर एक बारीकी को ध्यान में रख के किया जाता है उसे कहते हैं रिग्रज सो इस तरीके से कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है रैशनल रीजनेबल है सेंसिबल है तो आप सोच विचार की कुछ बोलोगे इन कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल सोच विचार के नहीं कर रहा है कोई चीज एस्ट्यूड बहुत क्लेवर पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसको सारी सिचुएशन इंसानों को जज करना बहुत आसानी से आता है और रिग्रेस अगर किसी चीज को आप बहुत केयरफुली करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं हर एक बारीकी को देखकर दैट इज वॉट इज रिग्रेस यानी कि सिर्फ इन कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें कोई थिंकिंग का कुछ नहीं हो रहा है इट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो कॉगनेटिव का सही ऑपोजिट या एमटोनिम होगा नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन की जहां वर्ड है बिलीव्ड ऑप्शंस हैं डाइवेस्ट प्रिम सिडेट जॉन्टी सबसे पहली बात करते हैं हम इनमें से हमने आज तक कोई वर्ड पढ़ा नहीं है तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बिलीव बिलीव का मतलब है हैविंग लॉस्ट अ रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड हु हैज रिसेंटली डाइड यानी अगर कोई पर्सन जो है उसने किसी अपने को बहुत रिसेंटली खोया है बिकॉज द पर्सन डाइड ठीक है वो कोई भी हो सकता है कोई क्लोज रिलेटिव या कोई क्लोज फ्रेंड उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है बिलीव्ड फॉर एन एग्जाम्पल द मिनिस्टर ट्राइड टू कम्फर्ट द बिलीव्ड विडोवर जो भी बिलीव्ड विडोअर थी द वन हु लॉस्ट हर हसबेंड उनको कंफर्ट करने की उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे द मिनिस्टर सो दैट यू नो वो थोड़ा सपोर्ट दिखा सके एंड द फीमेल या द वुमन जो है she feels better and it's ka aur bhi meaning ho sakta hai the person tried to help maybe koi disaster mein she lost the husband so the minister was trying to help such people who have lost their loved ones next word है divest which is deprive someone of power rights or possessions किसी भी तरीके से किसी ताकत पार किसी राइट हक या पजेशन जो भी उनकी चीजें उनके अंडर में थी उन सब चीजों से अगर किसी को deprive कर दिया जाता है वंचित कर दिया जाता है then we go with the word divest

एंड वेल बिहेव यानी अगर कोई बहुत शांत है, well है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है किसी में बहुत ज्यादा लाइवली सावियर है चेयरफुल है कोई बहुत कॉन्फिडेंट है देन वी कैन गो विद वर्ड जॉन्टी सो इस तरीके से बिलिव यानी आपने किसी को खोया है डायवेस्ट में भीड प्रेम में द पर्सन इज वेरी केयरफुल फॉर्मल इन बिहेवियर सिडेट में समबड़ी इज वेरी क्वाइट काम एंड वेल बिहेवड एंड जॉन्टी इज बहुत खुश लाइवली और यू you नो know, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट अब देखो यहाँ बिलीव्ड जो है किसी ने खोया है सो द पर्सन इज वेरी सैड है ना बहुत ज्यादा दुखी होगा द पर्सन और वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ड जॉन्टी की तो यहाँ पे पर्सन इज वेरी हैप्पी है ना बहुत ज्यादा खुश है चेयरफुल है सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा विद द इमोशन ऑफ बिलीफ इसीलिए आपका सही जो ऑपोजिट होगा वो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जॉन्टी बिकॉज बिलीफ इज बींग वेरी सैड डिसहार्ट डिस्ट्रेस बिकॉज यू हैव लॉस्ट हैडी और वहीं जॉन्टी जो है वो बहुत ज्यादा खुश होने की बात कर रहा है बीग वेरी चेयरफुल वेरी कॉन्फिडेंट क्लियर इस तरीके से यही जो है वो सही ऑपोजिट होना चाहिए ऑफ बिलीव नेक्स्ट क्वेश्चन okay. है the 40th question, जहां word है Options है टेसिटन लोकेशियस एंड थोड़े अलग टाइप के हैं है वर्ड है कि आप में से कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता हो सो लेट जस्ट डिस्कस द मीनिंग एंड देन हम इसका जो आंसर है मीनिंग्स we'll तो so, सबसे पहली बात करते हैं हम गैर की इट मीन्स टॉकिंग अ लॉट मोस्टली अबाउट अन इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर ना आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो और पर बातें ऐसी कर रहे हो जो कि ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या बिल्कुल भी काम के नहीं है सो इफ यू टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर अन इम्पॉर्टेंट विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट उसके बारे में हम बात कर रहे हैं देन इट इज़ द वर्ड गैरुलस फॉर एन एग्जाम्पल एज ही इज गैर्युलस आस्किंग हिम टू कीप अ सीक्रेट इज इम्पॉसिबल अब क्योंकि वो पर्सन बहुत ज्यादा बकबक करता है और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो सीक्रेट नहीं रख पाते बोलते बोलते बोलते, बोलते दे विल जस्ट फिल आउट योर सीक्रेट सो वही चीज़ है कि अगर वो गैरुलस है क्योंकि वो गैरुलस है इसीलिए उसको ये बोलना कि भैया सीक्रेट संभाल के रखना डोंट टेल टू एनीबडी वो थोड़ा डिफिकल्ट है नेक्स्ट है टेसिटन टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं ना सो दे डोंट टॉक मच एंड ऐसा लगता है कि दे आर बींग वेरी अनफ्रेंडली तो ऐसा वाइब आता है कि दे डोंट वॉन्ट टू लाइक यू नो टॉक मच अबाउट एनी थिंग सो इस तरीके से जो बहुत कम बात करते हैं जस्ट अ वे की उनको ज्यादा तोशेबल होना पसंद नहीं है सो टेसिटन इज द वर्ड नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट अगर किसी में आदत होती है बहुत ज्यादा बात करने की देन द वर्ड इज लोकेशियस नेक्स्ट वर्ड है ब्लैद विच मीन्स टॉक इन अ लॉन्ग विंड वे विदाउट मेकिंग वेरी मच सेंस यानी अगर बहुत लगातार बहुत ज्यादा बातें करते जाना करते जाना करते जाना बट उसका कोई ना सेंस निकल रहा है ना कोई मीनिंग निकल रहा है ना कोई लॉजिक निकल रहा है तो वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है ब्लैदर नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिक्स यूज फॉर अ स्पीच और अ राइटिंग यूजिंग और कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स टीडियसली लेंदी अगर कोई स्पीच या कुछ जो लिखा गया है उसमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया गया है बहुत लेंदी है बहुत खींचा गया है तब हम वर्ड यूज करते हैं प्रोलिक्स सो so, इस तरीके से गैर्यूलस बहुत ज्यादा किसी के बारे में अगर बातचीत करो बट देर इज नो सेंस अबाउट इट टेटन बहुत कम बात करना एक्टिंग लाइक इन अ वेरी अनफ्रेंडली वे लोकेशियस अगेन बहुत ज्यादा बात करने की आदत ब्लैदा अगेन बहुत ज्यादा बोलते जाना बोलते जाना उसका भली कोई सेंस हो या ना हो एंड थ्रॉलिक्स कोई स्पीच या राइटिंग जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया गया इट्स वेरी वेरी लेंदी सो इस तरीके से एक ही वर्ड है जिसमें बहुत कम बात करने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली गैरुलस का जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए टेसिटन आ जाते हैं 41 क्वेश्चन पे जहां वर्ड है इम्यूलेटिंग से दो तीन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इमिटेट इमिटेट करना सबको पता है नकल उतारना किसी की है ना अबैंड किसी चीज को खारिज कर देना लाइक यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट और आप अवॉइड करो एक तरीके से है ना देन बात करते हैं मॉक की किसी को मॉक करने का मतलब होता है अगेन किसी का मजाक उड़ाना नकल उड़ाना और आपका जो मोटिव है वो यही है सामने वाले का आप यू you नो know, बहुत मजाक उड़ाना चाहते हो किसी की नज़रों में सो so, इमिटेट तो नॉर्मल भी ऐसे कॉपी करना हो सकता है बट मॉक में हमेशा आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो एंड मजाक उड़ा रहे हो उसका क्लियर चलिए बात करते हैं इम्यूलेटिंग की या इम्यूलेट वर्ड भी आ सकता है आपके पास टू कॉपी समथिंग अचीव्ड बाय समवन एल्स एंड ट्राई नॉट टू डू इट एज वेल एज दे हैव यानी कि अगर किसी का यू you नो know, किसी ने कोई अचीव किया है कुछ और अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो एंड ऑल्सो यू वॉन्ट टू ट्राई कि आपके पास भी वो चीज़ें हो तो उसे हम इम्यूलेट करना है इम्यूलेटिंग करते हैं यानी कि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो या किसी के अचीवमेंट को कॉपी कर रहे हो दैट इज इम्यूलेटिंग फॉर एग्जाम्पल दे होप टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ अदर कंपनीज उनका ये इच्छा है वो ये चाहते हैं कि वो दूसरी कंपनीज की जो सक्सेस है उसको कॉपी कर लें उसको इम्यूलेट कर लें नेक्स्ट वर्ड है ट्रेविस्टी रेप्रजेंट इन अ फॉल्स एबसर्ड एंड डिस्टॉटेड वे किसी चीज को बहुत ज़्यादा गलत फॉल्स तरीके से या एप्सर्ड तरीके से या डिस्टोटेड वे में रिप्रेजेंट करना उसे कहते हैं ट्रेविस्टी नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट कॉपी अ पर्सन स्पीच और मैनरिज्म स्पेशली फॉर कॉमिक इफेक्ट एक हंसी वाला माहौल लाने के लिए कॉमेडी करने के लिए अगर किसी को कॉपी कर रहे हो किसी का तरीका हो बोलने का या किसी की स्पीच हो उसे इमिटेट करना कहते हैं

इमीडिएट में आप कॉपी कर रहे हो अबैंडन में आपने कोई ध्यान ही नहीं देना यू हैव जस्ट यू हैव इट मॉक में भी आप मजाक उड़ा रहे हो सो so अबैंडन में यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग है ना तो आप बिल्कुल सीज कर चुके हो सपोर्ट नहीं कर करो सो इम्यूलेटिंग का ऑपोजिट है ऑप्शन नंबर सी अबैंडन बिकॉज ऑब्वियसली बाकी सब में आप क्या कर रहे हो अगेन यू आर कॉपिंग या डूइंग समथिंग राइट सो इस तरीके से जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आते हैं फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन पे जहां वर्ड है जेनिथ

और सक्सेसफुल ऐसा समय जब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ऊँचाई पे होती है पावरफुल होती है सक्सेसफुल होती है तब हम वर्ड जेनिथ यूज़ करते हैं उस समय के लिए फॉर एन एग्जाम्पल हिस करियर इज़ नाउ एट इट्स जेनिथ यानी उसका जो करियर है अभी सबसे पावरफुल सबसे सक्सेसफुल पॉइंट पे है सो दैट इज़ वाई इधर वर्ड यूज़ किया गया है जेनिथ नेक्स्ट वर्ड है नादिर विच मीन्स द लोवेस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन अ सिचुएशन यानी सबसे नीचे सबसे अनसक्सेसफुल पॉइंट अगर कभी भी किसी कंडीशन um, में या किसी के लाइफ में होता है तो उसको हम नादिर कहते हैं सो फॉर श्योर जैनित का ऑपोजिट नादिर है ये अभी पता चल गया नेक्स्ट वर्ड है एक्ट में विच इज़ द पॉइंट एट विच समथिंग इज एट इट्स बेस्ट और मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऐसा पॉइंट जिस पे कोई चीज़ अपने सबसे बेस्ट पे है या सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है तब हम वर्ड एक्ट में यूज करते हैं नेक्स्ट वर्ड है पिनाकल, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट द कल्मिनेशन यानी वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे सक्सेसफुल पॉइंट ऐसा पॉइंट जब आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो उस वर्ड को हम कहते हैं उस पॉइंट को कहते हैं पिनाकल। नेक्स्ट वर्ड है एपोजी द हाइस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग ऐसा कोई भी हाइएस्ट पॉइंट जब किसी चीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है उसे एपोजी कहते हैं so इस तरीके से जेनिथ एटमी पिनाकल एपोजी सभी बात कर रहे हैं सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल पॉइंट की बट नादिर इज टॉकिंग अबाउट लोवेस्ट एंड मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इसीलिए यही सबसे सही ऑपोजिट एंटोनम होगा ऑफ द वर्ड जेनिथ नेक्स्ट बात करते हैं 43 क्वेश्चन की जहां वर्ड है फ्लगेशियस एंड ऑप्शंस आर स्कैंडलस बेनाइन एटरोशियस हीनस लेट्स टॉक अबाउट व्हाट स्कैंडल uh, तो सबको पता होगा स्कैंडल वर्ड आपने सुना होगा बिनाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके है, या gentle, kind, ऐसे लिए हम करते हैं, हैं। नॉट डिस्कस है, किया है सो so, ओवरऑल हमको सभी पता है बट वी शुड नो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन तब आपको पता चलेगा कौन सा ऑपोजिट है सो फ्लगेशियस मीन यूज फॉर अ पर्सन और देयर एक्शन जो कि बहुत क्रिमिनल या विलेनस हो यानी कि बिल्कुल विलन टाइप हो क्रिमिनल एक्शन हो या क्रिमिनल की कोई पर्सन हो तब हम वर्ड यूज करते हैं फ्लगेशियस फॉर देम और फॉर देयर एक्शन फॉर एन एग्जाम्पल ही ऑफ न्यूमरस फ्लगेशियस एक्ट्स उसने जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं उन सबके लिए वो गिल्टी था नेक्स्ट वर्ड है स्कैंडलस विच इज यूज फॉर अ स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्ग्रेसफुली बैड कोई स्कैंडल होता है तो पता है ठीक है वो मीनिंग दूसरा क्या होता है अगर कोई चीज़ बहुत बुरी होती है बहुत ही डिस्ग्रेसफुल होती है तब हम वर्ड उसके लिए स्कैंडलस यूज करते हैं नेक्स्ट है बिनाइन विच इज जेंटल एंड काइंडली बहुत ही अच्छे लोगों के लिए बिनाइन वर्ड यूज किया जाता है अट्रोशियस

बात कर रहा है जेंटल काइंडली तो यही सही ऑपोजिट या एंटोनम होगा ऑफ द वर्ड फ्लिगेशियस नेक्स्ट बात करते हैं 44 जहां वर्ड है डुप्लीसिटी ऑप्शंस हैं पफडी गाइल डिसीट कैंडो सो डिसीट सबको पता होगा एक धोखा वाला एक ट्रिक वाला काम इज व्हाट इज डिसीट डुप्लीसिटी डुप्लीकेट करना नहीं है बल्कि डुप्लीसिटी का एक अलग मीनिंग है विच मीन्स डिसीटफुलनेस यानी धोखाधड़ी ठीक है तो कोई बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी करता है तो वर्ड यूज़ कर सकते हो डुप्लीसिटी फॉर एक्जाम्पल हिज डुप्लीसिटी कॉज डास्ट टू डिस्ट्रस्ट हिम भाई उसका जो धोखा देने की आदत है डिसीटफुल है उसके अंदर उसकी वजह से वी कांड ट्रस्ट हिम नेक्स्ट वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट वर्दी वही एक धोखाधड़ी वाला ट्रिक करने वाला स्टेट या कंडीशन एंड अनस्ट वर्दी यानी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड है गाइल स्लाय और कनिंग इंटेलिजेंस वही चीज एक बहुत ही चालाकी वाली यू नो दिमाग होना बहुत मतलब इंटेलिजेंट तो है पर्सन बट किस टर्म्स में बहुत चालाक है डिसीट करने के मामले में धोखाधड़ी देने के मामले में चालाकी होना डिसीट का खुद मीनिंग है द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ डिसीविंग समवन बाय कंसीलिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ या तो सच को छुपा कर कंसील कर या गलत तरीके से रिप्रेजेंट मिस रिप्रेजेंट रेप्रेजेंट करना uh, उस तरीके से अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो दैट इज वॉट इज डिसीट करना नेक्स्ट है कैन डॉ द क्वालिटी ऑफ बींग ओपन एंड ऑनेस्ट

ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टी इन अप्रोप्रिएट अकोमोडेटिंग इैशनल सारे ऑप्शन का वर्ड पता है हमको मतलब मीनिंग पता है कॉन्ट्राडिक्ट्री यानी कि जैसा होना चाहिए उससे बिल्कुल ऑपोजिट है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इन अप्रोप्रिएट जो सही नहीं है जो अप्रोप्रिएट नहीं है अकोमोडेटिंग का मतलब अकोमोडेशन क्या होता है कहीं रहने की जगह तो अकोमोडेटिंग जो आप रहने दे सकते हो यानी कि कोई चीज जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड है इेशनल वर्ड इज रैशनल प्रैक्टिकल लॉजिकल इेशनल मतलब बिल्कुल भी लॉजिकल ना होना राइट सो so, पढ़ना क्या है हमको मीनिंग ऑफ पर्व सो दैट हमको ऑप्शन भी क्लियर हो जाए सो कॉन्ट्ररी टू द एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस यानी आपने जो एक्सपेक्ट किया था या फिर जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड या प्रैक्टिस उससे तो बिल्कुल उल्टा तो जैसा आप चाह रहे थे या जैसा कि ऑलरेडी मतलब नॉर्मल है जैसा रिजल्ट होना चाहिए वैसा ना होगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है तो उसे कहते हैं पर्व फॉर एग्जाम्पल द आउटकम ऑफ द इलेक्शन वॉज क्वाइट पर्वर्स भाई इलेक्शन का जो भी परिणाम आया जो भी आउटकम आया वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड था क्लियर नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट्री म्यूचुअली अपोज और इनकन्सिस्टेंट कोई दो चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उसे हम कॉन्ट्राडिक्ट्री कहेंगे नेक्स्ट है इन अप्रोप्रिएट नॉट सुटेबल और प्रॉपर इन द सर्कमस्टांसिस बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा कि उस वक्त की सिचुएशन चाहती है वैसा बिल्कुल कुछ भी ना होना बल्कि उल्टा होना या समथिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द दंडीशन तब हम कहते हैं अकोमोडेटिंग विलिंग टू फिट इन विद और यानी जैसा भी चाहते हो विश है जैसी नीड है उसके हिसाब से वैसा ढल गया है वो यानी जैसा एक्सेप्टेड है वैसा कुछ होगा दैट इज अकोमोडेटिंग नेक्स्ट है रैशनल नॉट लॉजिकल और रीजनेबल बिल्कुल भी लॉजिकल या रीजनेबल ना होना सो so इस तरीके से पर्वर्स बिल्कुल उल्टा है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कॉन्ट्रोडिक्टी भी ऑब्वियसली बात कर रहा है कॉन्ट्रोडिक्टी चीज का या कॉन्ट्री

है ना वो कवर की भी बात होती है सेलिब्रिटीज वगैरह की तो उसपे ऑब्वियसली uh, जो भी सेलिब्रिटी का फोटोग्राफर बड़े स्टाइलिश वे में आता है तो वो जो है वो फॉर श्योर sure किसी स्टाइल से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड वर्ड होगा करेक्ट देन यू हैव स्टाइल आउट मोडेड मोड एंड ट्रेंड तो स्टाइल और ट्रेंड तो सबको पता है स्टाइल मतलब एक तरीका यू नो एक फैशन में जो भी होता है ट्रेंड मतलब जो उस वक्त इन फैशन है बाकी आउट मोडेड और मोड हमको पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों का मतलब क्या है एंड फोर्स और आंसर बी या सी में से ही कोई होना चाहिए राइट right? बिकॉज अगर वोक का ऑपोजिट स्टाइल है तो फिर ट्रेंड भी होना चाहिए था बिकॉज बोथ ऑफ देम आर समवेर एक ही लिंक में करेक्ट सो लेट्स जस्ट सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड वो द प्रिंग फैशन और स्टाइल एट अ पर्टिक्यूलर टाइम उस वक्त जो भी फैशन में सबसे ज्यादा प्रचलित है या उस वक्त जो बहुत ज्यादा स्टाइल में है या चल रहा है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वोग सो समथिंग विच इज वेरी मच इन स्टाइल एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसे वोग कहा जाता है फॉर एन एग्जाम्पल फ्लावर प्रिंट इज वेरी मच इन वोग जस्ट ना फ्लावर प्रिंट्स का कैसे होता है एक बार आते हैं ट्रेंड में फिर एकदम से गायब जाते फिर आ जाते हैं बिकॉज दे आर लाइक

ओल्ड फैशन या जिसके लिए हम वर्ड ऑलरेडी जानते हैं ओल्ड फैशन से रिलेटेड वो क्या है आरकेक हमने पढ़ा था राइट right? कि जब हम वर्ड वगैरह देखते हैं तो आरकेक वगैरह लिखा रहता है सो ओल्ड फैशन आरकेक ऑप्सोलीट uh, भी वर्ड हमने पढ़ा था मतलब वो चीज़ जो है वो बनती नहीं है आउटडेटेड हो गई आउटडेटेड राइट सो इस तरीके से आउटमोडेड भी एक और वर्ड है जो ऐड हो गया ऐसे धीरे धीरे वर्ड्स ऐड करोगे श्योर आपको याद रहेंगे एक खट्टा सा पढ़ लोगे जो हमेशा से गलती करते आए हो प्लीज डोंट डू दैट सो आउटमोडेड का मतलब है ओल्ड फैशन और कोई चीज़ जो अब फैशन में नहीं है नेक्स्ट आते हैं मोड विच इज अ फैशन और स्टाइल इन क्लोथ आर्ट लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इट्स एक्सेट्रा सो इस तरीके से अगर कपड़ों के टर्म्स में या किसी भी आर्ट या लिटरेचर के टर्म्स में अगर कोई चीज उस वक्त इन ट्रेंड या फैशन है तब भी हम उसको मोड कहते हैं नेक्स्ट वर्ड ट्रेंड ट्रेंड का मतलब भी होता है fashion, है ना मतलब अभी अभी बड़ी ट्रेंडिंग है, बड़ी इन है, है। so, है इस तरीके से से, मतलब जो उस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, के हिसाब भी एक पर्टिकुलर डिजाइन है या कह सकते हो एक पर्टिकुलर वे है टू ड्रेसअप एंड आउट मोडेड मतलब कोई चीज जो अब ओल्ड फैशन हो गई अब नहीं चलती है मोड मतलब कुछ भी ऐसा फैशन या स्टाइल एंड ट्रेंड भी एक फैशन है सो so, इस तरीके से ये जो है उस वक्त चल रहा है आउट मोडेड अब आउट ऑफ फैशन हो गया यानी कि उस वक्त बिल्कुल भी नहीं है चल रहा वो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो सही ऑपोजिट या एंटोनिम होगा ऑफ द वर्ड वोग क्लियर ओके नेक्स्ट है फोर्टी सेवन क्वेश्चन वर्ड है डेटा देन यू हैव आर मिस्टिस ऑल्टकेशन स्ट्राइफ आई गेस आपने कभी ना कभी रैंगल वर्ड फिर भी सुना हुआ हो सकता है लाइक यू काइंड ऑफ आई फील की कुछ बच्चों को पता हो सकता है रैंगल वर्ड बट बाकी वर्ड फॉर श्योर यू न्यू है मीनिंग ऑफ वेन डेटा अ प्रोलोंग्ड बिटर क्वारल विन अगेंस्ट सम दिया हुआ यहाँ पे कि अगर एक बहुत ज्यादा प्रोलोंग uh, का मतलब क्या होता है जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है ना मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा खींची हुई है

Against him. भाई जो के लोग थे, मतलब है कि दो जो लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं जो वॉर में है ठीक है युद्ध चल रहा है जो दो पार्टी के बीच में अगर दोनों पार्टीज एक अग्रीमेंट बना लें जिसमें ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम विल अग्री किस लिए कर रहे हैं ये अग्रीमेंट क्यों बना रहे हैं ताकि जो झगड़ा है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाए शांति हो जाए कुछ समय के लिए यानी एक जगह पे हम बात करें कि एक झगड़ा स्टार्ट हो रहा है या चल रहा है या किसी के खिलाफ आपने कैंपेन ही कर दिया है स्टार्ट और दूसरी जगह आप पढ़ रहे हो कि ये जो अग्रीमेंट है वो किया गया है ताकि जो वॉर है वो बंद हो जाए झगड़ा होना बंद हो जाए फाइट जो है वो स्टॉप हो जाए तो क्लियर नेक्स्ट है झगड़ा है चल रहा है या बहुत ज्यादा डिसअग्रीमेंट चल रहा है लोगों के बीच में तब वर्ड यूज किया जाता है ऑल्टरकेशन नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव एंग्री और बिटर डिस ओवर फंडामेंटल इशूज जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं यानी बहुत ही बेसिक से इशूज होते हैं ऑब्वियसली um, नेसेसरी है तभी फंडामेंटल वर्ड यूज किया है बट दे आर लाइक वेरी एलिमेंट्री एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं बट बेसिक से ऐसे राइट या ऐसे इशूज पे अगर किसी का बहुत गुस्से वाला या बिटर डिसअग्रीमेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है झगड़ा हो जाता है देन द वर्ड इज यूज और उसे हम कहते हैं स्ट्राइफ शॉर्ट ऑफ लिंक विद स्ट्राइक थोड़ा ऐसा लिंक करके पढ़ सकते हो नेक्स्ट है रैंगल डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लीकेटेड कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट जो बहुत ही ज्यादा यू you नो know, बढ़ गया है बढ़ चढ़ गया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं रैंगल सो इस तरीके से वेन डेटा क्या है एक बहुत ही लंबा सा कोई झगड़ा या बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और एक अग्रीमेंट जिससे वो झगड़े को शांत करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं अब शांत यू नो झगड़ा ना हो ऑल्टरकेशन बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है बहुत शोर शराबे वाला आर्ग्यूमेंट हो रहा है पब्लिक में स्ट्राइव एक बहुत ही गुस्से वाला बिटर डिसअग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज रैंगल अगेन एक डिस्प्यूट और

बाकी सारे वर्ड्स प्रॉपर गेट एब्रोगेट प्रोमल गेट ये पढ़ लेते हैं डिससेमिनेट भी हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं रिवाइज कर लेते हैं ऐसे वर्ड्स अगर भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि गिव अप भी कर दो कि रहने दो लेड बेग एटीट्यूड रख रहे हो बिल्कुल क्या नहीं याद हो रहा तो क्या कर सकते मैम ने तो बोला जाने तो कोई बात नहीं इसका मतलब ये है कि टेंशन नहीं लेना है यू डोंट हैव टू टेक डिस्ट्रेस्ड है ना आपको एक तरीके से एक जो हैप्पी वाला स्ट्रेस देखो स्ट्रेस भी ना दो टाइप के होते हैं एक होता है नेगेटिव एक होता है पॉजिटिव इट डिपेंड्स आप स्ट्रेस को कैसे ले रहे हो दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लूंगी ठीक है जैसे अगर हम बात करते हैं दो लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल और अगले दिन एग्जाम है एक टाइप का स्टूडेंट होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा नेगेटिव टर्म्स में यानी डिस्ट्रेस्ड फील करेगा कि अरे कल एग्जाम है क्या करूं पढ़ा नहीं है और ऐसे ऐसे करके अपना नर्वसनेस बढ़ाएगा एंगजाइटी बढ़ाएगा और टेंशन लेगा अगले दिन पेपर में फिर गड़बड़ होगी एक क्या होता है ना स्टूडेंट जो नेक्स्ट टाइप का है वो ये है कि उसको भी स्ट्रेस हो रहा है कि कल एग्जाम है बट वो उसका पॉजिटिव जो साइड है उसको लेके चल रहा है कि हाँ कल एग्ज़ाम है तो स्ट्रेस है तो मुझे और पढ़ाई करनी है तो वो पर्सन और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहा है बिकॉज वो भी स्ट्रेस्ड है पॉजिटिव तरीका लिया उसने स्ट्रेस का इस तरीके से फायदा किसका होगा जो ये अगला है 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 और ऐसा स्ट्रेस लेना अच्छी बात सो वही so चीज़ आपको करनी है, अगर वर्ड्स भूल भूल रहे हो ना डोंट बी लाइक ओ भाई अब पढ़ लेता हूँ रिवाइज कर लेता हूं, अगली बार मुझे नहीं भूलना है। इस तरीके से खुद से कंपीट करोगे फॉर शॉर्ट चेंजेस आएंगे सो दैट इज हाउ इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन पीपल देखो नोबडी इज लाइक कि जिसने भी पहली पहली बार कोई अच्छी चीज की होती लाइक like एक बेंच मार्क सेट किया होता है द पर्सन वॉज नॉट टोल्ड टू डू समथिंग द पर्सन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ अंडरस्टूड कि क्या करना है दट इज हाउ यू ऑल्सो नीड टू फिगर इट आउट बींग नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट का मतलब ये नहीं दट योर वेरी स्मॉल योर टू ओल्ड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यू कैन जस्ट डू समथिंग जो आप खुद से समझ सकते हो दट इज वहाँ अगर ऐसे वर्ड्स भूल भी जाते हो ना डोंट वर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे हरेक वर्ड का मतलब मतलब खुद ही समझना है लिंक करना है मेहनत करनी है टाइम देना है देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे चलिए वर्ड पे आ जाते हैं तो प्रोमल गेट का मतलब है प्रमोट और मेक वाइडली नोन एन आइडिया और अ कॉज तो कोई सोच आइडिया या कोई कॉज अगर उसको आप सबको बता रहे हो आप प्रमोट कर रहे हो कि यू नो सो दैट द पीपल शुड वाइडली गेट टू नो अबाउट इट तो वर्ड हो जाता है प्रोमल गेट सो so, प्रोमल गेट शॉर्ट ऑफ कह सकते हो प्रमोशन करना इज प्राम गेट नेक्स्ट वर्ड है लाइक like इसका जो सेंटेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्टिव हैव टू बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भाई ये जो ऑब्जेक्टिव हैं जो काम का मतलब जरूरी है या जो भी रीजन है टू डू समथिंग उसको हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंस करना पड़ेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्रमोट करना पड़ेगा उसे कहते हैं प्रोमलिगेट करना नेक्स्ट वर्ड है डिससेमिनेट स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला देना ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को हर जगह बता रहे हो बहुत ज़्यादा उसको वाइडली स्प्रेड कर रहे हो देन द वर्ड इज डिस्सेमिनेट क्स्ट वर्ड है्योरी को स्प्रेड करना सो दैट एवरीबडी गेट्स टू नो अबाउट इट उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपगेट नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट विच मीन्स टू एंड अ लॉ अग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली आप किसी लॉ किसी भी कस्टम किसी भी प्रैक्टिस को ऑफिशियली फॉर्मली एंड कर रहे हो अब उसको नहीं स्प्रेड नहीं कर रहे हो आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो आप उसको वहीं एंड कर दे रहे हो उसके लिए वर्ड है एवरोगेट एंड नेक्स्ट वर्ड है पब्लिसाइज मेक समथिंग वाइडली नोन

ठीक है तो इससे हम डिटेल को थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हैं हीट पे करना मैंने आपको पहले ही बताया हीट जो है वो अटेंशन के लिए यूज किया जाता है लाइक इफ यू पे अटेंशन देन यू आर पेइंग हीट अन हीटेड मे बी अटेंशन ना पे करना कन्फ्रेंट का मतलब क्या होता है अगर आपको ना किसी से बिल्कुल सामने सामने बात करनी है तो हम कह सकते हैं आई नीड टू कन्फ्रंट इट ठीक है कन्फ्रंट करना मतलब आमने सामने सारी बातें क्लियर कर देना ऐसा नहीं कि बस लेके बैठो दिमाग में एंड यू आर जस्ट स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट सम नो यू आर टॉकिंग टू द पर्सन फेस टू फेस सो दैट यू शुड क्लियर इट आउट तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंफ्रेंट नाउ लेट्स रीड द मीनिंग्स सबसे पहले अकॉस्ट का मतलब है अप्रोच एंड एड्रेस समवन बोल्डली और अग्रेसिवली या तो आप किसी को अप्रोच कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो बहुत ही बोल्ड वे में या गुस्से में बहुत ही गुस्से में ठीक है सो एकदम से सॉर्ट ऑफ अटैक टाइप का जो मोड होता है वैसे आप किसी से बात करने जा रहे हो फेस टू फेस तब हम वर्ड यूज करते हैं क्या अकॉस्ट फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अकॉस्टेड बाय अ कंप्लीट स्ट्रेंजर भाई वो जो भी पर्सन है मतलब जो भी लड़की है शी उसको एकदम से सम स्ट्रेंजर केम एंड जस्ट अड्रेस्ट वेरी अग्रेसिवली बहुत गुस्से में बात की नेक्स्ट वर्ड है कंफ्रेंट कम फेस टू फेस विद समवन विद हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटिव इंटेंट अगर आप किसी से बिल्कुल फेस फेस टू क्लियर आउट करना चाहते हो ऑब्वियसली वहां पर आप जो है तो फ्रेंडली नहीं है सामने वाले से बिकॉज फिर वहां पे confront नहीं कर रहे होते अगर फ्रेंड हो, friend हो तो आप नॉर्मली बात करोगे राइट बट इफ यू आर विद विदडी इसका मतलब आप एक बहुत ही हॉस्टाइल एक बहुत ही अनफ्रेंडली नॉट दैट काइंड या आर्ग्यूमेंटिव इंटेंट के साथ जा रहे हो यानी कि आपको झगड़े करने का मन है इस तरीके से इफ यू आर कमिंग फेस टू फेस विद समी तो वर्ड यूज किया जाता है कन्फ्रेंट next word hey vele stop or interrupt someone and detain them in conversation or trouble them in some Other way. क्या दिया हुआ है? कि आप किसी को या तो रोक रहे हो या इंटरप्ट कर रहे हो वो भी एक ऐसे वे में जब वो कर रहे हैं you know, एक में है, uh, way, या फिर किसी और तरीके से परेशान कर रहे हो समेर so um, आप वर्क कर रहे हो किसी पर्सन को uh, कि आप उनसे या तो बात ही नहीं करो लाइक यू स्टॉक जनरली इनवर्जेशन और यू इंटरप्ट और डिटेन क्या हैल्डिंग

ड इट आपने सुना या आपको ना आपने नोटिस तो किया मतलब यू न्यू समथिंग बट आप उसको रिगार्डिंग नहीं कर रहे हो यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग इट वर्दी ऑफ कंसिडरेशन तो वर्ड हो जाता है अकोस्ट so, में यू अप्रोच यू एड्रेस यू आर पेंग अटेंशन कन्फेंड ऑल्स यू कम फेस टू फेस विद समी सो अन यू आर पेंग अटेंशन वे एल्सो यू स्टॉप एन इंट्रफ्टो यू आर पेंग अटेंशन देन ओनली यू विल स्टॉप अर इंट्रफ्ट सेम गोज विन बट अनडेड में यू आर नॉट एट ऑल पेंग अटेंशन इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही ऑपोजिट होगा ऑफ the word accost this is a good question because you get to know these words like confront asani bolna chahiye bhaiya humko face to face clear karna hai you can say i need to confront it to is tarike se apni english ko improve karna सीखो. done okay चलिए आ जाते हैं last और final question पे. word है woful options hain doleful glum forlorn uplifting अपराइट वर्ड याद है जब भी अपलिफ्ट वर्ड आता है आई ऑलवेज टेल अपराइट पता नहीं क्यों एक टेंडेंसी हो गई नेचुरल मेरी बट दिस इज हाउ आपको एक और वर्ड याद रहेगा सो आई टोल्ड यू अपराइट इज अ पोस्टर जहां आप सीधे खड़े होते हैं सीधे बैठते हो रही बात अपराइट का मतलब ये भी होता है दैट यू आर लाइक बोला चाहिए कि यू नो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो या बहुत आउटस्पोकन हो लाइक यू नो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको सर ऊंचा करके चलते हो दैट इज व्हाट इज अपराइट होना सेम कहीं ना कहीं हम लिंक करेंगे विद अपलिफ्टिंग क्लियर सो इस तरीके से वो फुल डोलफुल ग्लम फॉलो ऑन अपलिफ्टिंग लेट्स रीड देम आल्सो ऑप्शन नंबर सी जो फॉलो ऑन है ना ये भी बहुत यूज होता है लाइक लिटरेचर पोएट्री वगैरह में सो लेट्स जस्ट रीड द वर्ड वोफुल कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्रेसिंग ऑफ और कॉजिंग सोरो और मिसरी या तो किसी चीज से बहुत दुख हो रहा है मिसरेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है या इट इज कैरेक्टराइज बाय सोरो और उसे हम कहते हैं वोफुल फॉर एन एग्जाम्पल दे लुकड वेरी वोफुल यानी दे लुक वेरी सैड या फिर दे लुक मिसरेबल नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल एक्सप्रेसिंग सोरो मौन करना क्या होता है जब सपोज किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग रोते हैं मोनिंग वर्ड कहते हैं जो हम रो रहे होते हैं उसको मोनिंग करना कहते हैं सेम वे अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है और इतना दुखी है कि वो रो रहा है मोन कर रहा है दैट इज वॉट इज डोल फुल नेक्स्ट वर्ड है ग्लम लुकिंग ऑफ फीलिंग डिजेक्टेड मोरस ऐसा लग रहा है या ऐसा फील हो रहा है किसी को देख के या तो ऐसा लग रहा है आपको या फिर वो सामने वाला फील कर रहा है बहुत ही डिजेक्टेड बहुत डिस्ट्रेस्ड डिसहार्टेड मोरोस सो ये वर्ड्स हो गए ग्लम के नेक्स्ट वर्ड है फोल ऑन विच मींस पीटीफुली सैड एंड अबेंडन और लोनली बहुत ही ज्यादा दुखी दयावान स्थिति वाला दुख ठीक है उसके अलावा या तो किसी को अबैंडन कर दिया हो बिल्कुल भी लोनली हो गया हो छोड़ दिया हो कोई नहीं है उनके साथ तब भी वर्ड यूज किया जाता है वॉट फोलॉन एंड नेक्स्ट वर्ड है अप लिफ्टिंग विच इज इंस्पायरिंग हैप्पीनेस ऑप्टोमिज्म और होप आप लिफ्ट कर रहे हो यानी आप क्या कर रहे हो इमोशंस को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो इन वेरी हैप्पी हैप्पी मूड तो अगर कुछ भी ऐसा है जिससे कोई हैप्पी फील करेगा या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे एक होप एक उम्मीद जाग रही है या फिर ऑप्टोमिज्म पॉजिटिविटी आ रही है देन द वर्ड इज अपलिफ्टिंग सो इस तरीके से वो फुल सैड सोरो ग्लम भी मोरोस, सैड फोल ऑन इज ऑल्सो सैड एंड लोनली बट अपलिफ्टिंग इज वेरी हैप्पी हैप्पी वर्ड एंड ऑन दिस हैप्पी नोट यू एंड दिस क्वेश्चन एंड यू गेट द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी वर्ड्स होंगे लाइक like, अब तक अभी आए हो फिफ्टी वर्ड्स हैं टू ट्वेंटी वर्ड्स तो फॉर शॉर्ट क्लियरली अगर रिपीटेटिव वर्ड्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं कितने हुए होंगे दस बारह ठीक है बाकी वी कैन अंडरस्टैंड की टू थर्टी टू टू फोर्टी वर्ड जो है आपने नए बिल्कुल सीखे आज के वीडियो में एंड उसमें से कितने वर्ड्स याद हुए हैं दैट डिपेंड्स आपने कितना फोकस के साथ इंटरेस्ट के साथ इसको देखा है आई नो द टाइम इज़ लाइक टू मच एंड यू फील कि बहुत सारे वर्ड्स हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ना ज़्यादा से कितने हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के कम कम वर्ड्स पढ़ेंगे वॉट इफ जो नहीं पढ़ा वही आ जाए करेक्ट so, इस तरीके से ये सारे वर्ड्स हैं बट वॉट इज योर ड्यूटी इज आपको ये सारे वर्ड्स तो अच्छे से पढ़ने ही है यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक जो भी आपको लगा कि यू नो यू कुड लिंक इट और या आपने कोई ट्रिक व्रिक सुनी या समथिंग दैट कुड दैट यू कुड लिंक विद पर्टिकुलर वर्ड सो दैट यू रिमेंबर इट दूसरी बात ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज जैसे सपोज आपने अपलिफ्टिंग पढ़ा नाउ यू you नो know अपलिफ्टिंग के ऑपोजिट्स सारे ही हैं। बट वॉट इफ इफ यू वॉन्ट टू नो जितने भी synonyms उनको पढ़ो मे बी आधे के ही होंगे है ना? आप उनको भी रिवाइज कर लेंगे साथ ही साथ कोई नया वर्ड होगा तो वो भी पढ़ लोगे सो so, इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस को बहुत वाइडर एस्पेक्ट पे रखना है यू डोंट गिवन हेयर क्योंकि आपको अपना भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा ना मजा नहीं आएगा जितना खुद से करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा ये टॉपिक। सो दिस टॉपिक एंटोनिम्स का अचीवर्स सेक्शन क्लियर ओके चलिए टॉपिक पढ़ लिया बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है और वो ये है कि आप सब जानते हैं कि मैगमिक्रींस पे आपको किंडल गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक जो भी स्कूल का करिकुलम बेस्ड सिलेबस है या करिकुलम है उसके सारे टॉपिक्स की वीडियोस मिलते हैं दैट टू टॉप नॉच क्वालिटी के और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करेक्ट बट ऑल्सो आपके पास और भी ऑप्शन हैं टू एक्सप्लोर देर आर सो मेनी थिंग्स जो और भी आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम आर चैनल एंड ये सब एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मैग्नेट बिन्स की वेबसाइट को विजिट कीजिए क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स की वीडियोस नहीं मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बट और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आपको मिल जाते हैं ओलम्पियार्ट के प्रिपरेशन के वीडियो दैट यू जस्ट नाउ सो ऑल्सो आपको एन टी एस सी का प्रिपरेशन करना है यू गेट विडियोज फॉर दैट टू ऑल्सो यू हैव ऑप्शन टू स्टार्टी ऑल दी वन शॉर्ट रिविजन ऑफ ई एंड एवरी टॉपिक यू ऑल्सो गेट एग्जाम्पल ऑफ वीडियो यू ऑल्सो गेट एस्ट्रा लर्निंग जैसे कि जितनी चीजें मैंने बोली एवरीथिंग इज मैंशन है जैसे एक्स्ट्रा लर्निंग आपको चाहिए आप क्लिक करोगे ना यू गेट टू अंडरस्टैंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में पॉलिश होता है लेवल आपको एक्टिविटी सीरीज मिलती है यू गेट विदिन अ मिनट फैक्स सीरीज यू गेट मोटिवेशनल सीरीज यू ऑल्सो

अब इस पेज पे आपको क्या करना है जस्ट क्लिक ऑन द वन दैट यू वॉन्ट टू स्टडी फॉर एन एक्जाम्पल आप पाना चाहते हो इंग्लिश ओलंपियाड का कोई वीडियो क्या करोगे ओलंपियाड पे क्लिक करो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे फॉर नाउ यू हैव मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओलम्पियाड राइट नाउ विच क्लास यू वॉन्ट टू स्टडी लाइक अगर आपको क्लास नाइन्थ ओलंपियाड की कोई वीडियो देखने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के वट यू वुड डू इज जस्ट क्लिक ऑन द सब्जेक्ट एज यू विल क्लिक ऑन इट यू विल गेट द डिफरेंट

Icon and you get all the other topics. Click on the topic, you get the video. So, this is how easy it is to reach to the video. You want to learn. Also, if you want to explore other options, don't worry, just click on the black but back button, follow all the same steps, and you will get the video in front of you. So, this is how easy it is to get the video, and this is how important it is to visit the website of our channel.

Obviously, अगर आप कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे सब भूलते जाओगे, right? so, इसके लिए आपके पास एक या है है और वो ये है कि ठीक बजे ऑल द इंग्लिश वीडियोज एंड इन्हीं दिनों पे मंडे ट्यूजडे वेंसडे यू गेट एक बजे मैथमेटिक्स की वीडियोज सो वॉट इज देर आपकी ना लगातार प्रैक्टिस होती जाती है जस्ट कीप वन नोटबुक अ पेन रेडी फॉर बोथ दी सब्जेक्ट्स एंड प्लीज बी देर पूरे फोकस और डिटर्मिन माइंड के साथ फॉर श्योर आपको सबको समझ आ जाएगा क्लियर ओके सो विद दिस फाइनली वी हैव कम टू एन एंड ऑफ ऑल द डिस्कशंस एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द 50 क्वेश्चंस यू अंडरस्टूड सो मेनी न्यू वर्ड्स आई नो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज अचीवर्स सेक्शन है बट दैट इज हाउ आप स्टेप अप करोगे अपने लेवल uh, को दिस इज हाउ यू विल पॉलिश योर

And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon in the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.